संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे श्रीमद् भगवद गीता की 3 वर्षों की यात्रा, 3 वर्षों तक जो ये घाट लगा था उसका इस घाट पर आज अंतिम सत्संग है। किसी को भी विदा करने को वैसे मन कभी भी करता ही नहीं, और उसमें जो सर्वप्रिय हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसने सर्व अपेक्षाओं से हमारी हर भ्रांति को, हर कन्फ्यूजन को हटाया हो, उसको विदा करने का समय आ रहा है। तो रह रह के, मैं कल भी देख रही थी, रह रह के आँखों से आंसू बहते हैं, लेकिन मैंने टीयर टेस्ट किया। फ्राइडे के सत्संग वालों को पता होगा, मैंने कल तो ध्यान से किया टीयर टेस्ट। मैं सोफे पे बैठी थी, बस ये किताब हाथ में थी, और महसूस कर रही थी कि कृष्णा तुम जा रहे हो, लेकिन कृष्णा दुखी करके नहीं जा रहे, क्योंकि साथ साथ में बुद्ध को देते हुए जा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आँखों से अकारण आंसू की धारा बह रही थी, लेकिन देखा ठंडे ठंडे आंसू थे, ठंडे थे, यानी खुशी के आंसू थे, ठंडे आंसू थे यानी खुशी के आंसू थे, और खुशी के आंसू थे यानी जीवन का एक और बड़ा कार्य मानो संपन्न हुआ ऐसा लगता। इस हॉल में लगभग 4 साल हो जाएंगे, 4 वर्ष, और अनु प्रभु जैसे लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा, खास अनु प्रभु का, इस हॉल की बुकिंग के लिए कितने घरों पे गए तुम्हें पता भी नहीं चला। किस तरह से एडमिन पैनल की, या SRM की ही कहूँ, भाई एडमिन पैनल, SRM की बैक टीम किस तरह से काम कर रही है कभी तुम्हें पता भी नहीं चला। हर 15-15 दिन में यहाँ सत्संग है, खाली नहीं होता हॉल, किस तरह से खाली करवाया जाता है, किस तरह से SRM की यहाँ पे भर्ती होती है, वो सब बिल्कुल साउंडलेस, तुम्हें पता भी नहीं होगा, इतना साइलेंटली वो सब सेवा लगभग अनु प्रभु के हाथ में रही पूरे 4-4 वर्षों तक। थैंक यू सो मच। बहुत सुना तुमने इन 4 वर्षों में, बहुत समझा, बहुत सीखा, बहुत पाया, बहुत लौटाया, बहुत कुछ किया। सेवा टीम लौटाने में लगी है, हम समझाने में लगे हैं, बाकी तुम सब सुनने में लगे हो, यहाँ इतने, लेकिन विश्व भर में देखो तो हजारों हजारों लोग। अभी अभी हम लोग ब्लिस ऑफ विजडम को बस फाइनल कर रहे थे, उसका जो भी एनुअल एडिशन आता है हमारे यहाँ, तो हम यूट्यूब्स के एनालिटिक्स देख रहे थे, और एनालिटिक्स में हमें पता चला कि पिछले 5 वर्षों में SRM का ये जो चैनल है वो 135 वर्षों जितना देखा गया है, 5 वर्षों में 135 वर्ष। खोज है, यानी लोगों को सत्य की खोज है, लोगों को परमार्थ की अब अभीप्सा जगी है, लोगों में अध्यात्म समझने की चेष्टाएं अब दिन ब दिन बढ़ रही है,
नहीं तो क्यों इतने 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 लोग, इतना इतना वॉच टाइम, इतना व्यू टाइम जो हम देख रहे हैं। सारा ब्यौरा तो नहीं दे सकते, लेकिन दो पेजेस में जितना एनालिटिक्स का ब्यौरा होता है वो दिया जा रहा है। चार वर्ष इस हॉल में मेरे साथ यदि तुम चले हो तो कुछ मेजर रूपांतरण तुम्हारे में आया होना चाहिए। किसी हॉल के अंदर चार घंटे भी तुम किसी के साथ रह लेते हो और राउंड राउंड मार लेते हो तो जिंदगी भर उसके हो जाते हो। ऐसा कुछ है हमारे यहाँ? चार घंटे की शादी होती है और क्या, लेकिन चार घंटे भी तुम राउंड राउंड रिंगा रिंगा खेल लो उसके साथ तो जिंदगी भर उसके हो जाते हो। तुम चार वर्षों से मेरे साथ हो, तुम्हारा क्या होगा? चार घंटे में इस जिंदगी का ताना बाना जुड़ता है, लेकिन चार सालों में जन्मों जन्म का रिश्ता जुड़ता है और जुड़ेगा। ये रिश्ता खाली यहाँ बैठने से नहीं जुड़ता, ये रिश्ता तीन निर्णय तुम में दृढ़ हुए होंगे उस लिए जुड़ेगा। इन चार सालों में यह तीन मुख्य अवधारणाएं तुम्हारे भीतर बंधी होगी, तभी तुम्हारा और मेरा रिश्ता आगे जन्मों जन्म तक, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक जुड़ा रहेगा। सबसे पहली बात, इन चार वर्षों में तुम्हें यह निश्चय हो जाना चाहिए कि सद्गुरु तत्व क्या है। सद्गुरु व्यक्ति नहीं है, सद्गुरु एक दशा का नाम है। और तुम व्यक्ति रूप में मुझे कभी इस रूप से पाओगे भी नहीं, तुम व्यक्ति रूप में नहीं पाओगे। आगे आगामी जन्मों में भी तुम जाओगे, तुम्हें सद्गुरु तत्व की निष्ठा होनी चाहिए। यानी इन चार वर्षों में तुम्हारे भीतर सबसे पहले सद्गुरु तत्व का दृढ़ निश्चय हुआ कि नहीं, क्योंकि हर किसी ने भगवद गीता अलग अलग ढंग से पढ़ी होगी जिंदगी में। अब तक भगवद गीता के बारे में अलग अलग लोगों से, गुरुओं से, व्यक्तियों से सुना होगा, अलग अलग इसके इंटरप्रिटेशंस को कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में तुमने पढ़ा होगा। लेकिन इन तीन वर्षों में, खास भगवद गीता के इन तीन वर्षों में तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय हुआ होगा ना कि वह समझना कुछ समझना था ही नहीं। जो भगवद गीता कहना चाहती थी वो तो हम सद्गुरु तत्व के साथ समझ पाए हैं, मेरी बात नहीं कर रही मैं। तुम सद्गुरु तत्व के साथ रहे हो तीन वर्षों तक भगवद गीता में, तो तुम समझ पाए भगवद गीता क्या कहना चाहती है। तो इन वर्षों में सबसे पहले तुम्हारी सद्गुरु तत्व की निष्ठा दृढ़ हुई तो हमारा संगठन चलेगा आगे तक। यस और नो? yes. सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सद्गुरु एक दशा का नाम है, एक संबंध का नाम है, एक स्थिति का नाम है, एक ऐसी उन्नत चेतना की दशा का नाम है जहां से सत्य स्वतः ही उघड़ कर आता है, उगाड़ना नहीं पड़ता। दूसरी बात, इन चार वर्षों के अंदर तुम्हें साधना का निश्चय हुआ होगा कि साधना क्या है। साधना का निश्चय हुआ होगा कि कहीं आंख बंद करके बैठ जाना या यूं यूं माला जप लेना साधना नहीं है। साधना है कोई विशेष कार्य जो तुम्हारे शरीर के भीतर हो रहा है, जो स्वराज क्रिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। हर गुरु के पास अपना कोई ना कोई साधना करने कराने का ढंग होता है। हमारे यहाँ भी हमने साधना का ढंग स्वराज क्रिया के माध्यम से उघाड़ा है, तो तुम्हें साधना का स्वरूप पता चला कि संस्कारों में परिवर्तन करना है। साधना यानी तुम्हारे आंतरिक संस्कारों में परिवर्तन करके तुम्हारी जो धारा नीचे की तरफ बह रही थी उसी धारा को ऊपर की तरफ उठा के तुम्हें अपने कृष्ण से मिलाना है। ये साधना का स्वरूप तुम्हें इन चार वर्षों में समझ में आ गया। तो तुम्हारा और मेरा गठबंधन लंबे समय तक चलेगा ही तब जब सबसे पहले तुम्हें सद्गुरु तत्व की निष्ठा हो जाए। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि तुम जन्मों जन्म में स्वच्छंद में जाने से बच जाओगे। तुम्हें निश्चय होगा कि भगवद गीता जैसा सामान्य शास्त्र भी, वैसे गूढ़ है लेकिन इतना प्रचलित है इसलिए मैं सामान्य कहती हूँ, वो भी तुम अपनी मति कल्पना से नहीं समझ सकते। यानी कोई तारनहार, कोई सद्गुरु चाहिए जो सद्गुरु तुम्हें इन शास्त्रों का गूढ़ रहस्य बताए। सद्गुरु तत्व में निष्ठा होने से परिणाम क्या होगा?
लाभ क्या होगा, जन्मों जन्म तुम अपनी मति कल्पना से चलने की जो आदत है ना उसको ड्रॉप करोगे, स्वच्छंद में जाने से बचोगे और समर्पण की तरफ तुम्हारा हर जन्म में कदम बढ़ेगा। नहीं तो अभी भी कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है अपने आप समझ लेंगे। कितनी इंटरप्रिटेशंस है भगवत गीता की, ही कम से कम 500 टिप्पणियाँ होंगी, मेरे पास ही 20 पड़ी हैं। 500 टिप्पणियाँ हैं, उनमें से कोई भी ले लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अपने आप समझना यानी स्वच्छंद। इन 4 वर्षों में तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय हो गया होना चाहिए कि सद्गुरु तत्व के बिना शास्त्रों के गूढ़ अर्थ, गूढ़ रहस्य कभी उघड़ कर आ नहीं सकते। ये तुम्हें जन्मों जन्म के स्वच्छंद से बचाएगा। जन्मों जन्म के अपने आप चलने की जो आदत है ना अपनी इच्छा से, उसमें से बचाएगा। तो दूसरा लाभ क्या हुआ? साधना का स्वरूप समझ में आया। साधना यानी भीतर में तुम्हारे चक्र और केंद्रों के स्तर पर यानी आंतरिक स्तर पर कुछ हीलिंग करना। जब भी तुम बीमार होते हो तो एक दवाइयों के माध्यम से तुम स्वयं को ठीक करते हो, लेकिन डॉक्टर भी जानते हैं कि दवाइयाँ तभी काम करती है जब आंतरिक हीलिंग का कार्य हो रहा हो। यदि तुम्हारा शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तुम्हारी इम्यूनिटी ही लो है, तो दवाइयाँ भी तुम्हें लाभ नहीं करेगी। इसलिए हमारे यहाँ साधना का स्वरूप क्या है, बाहर से तुम्हें जप तप दे दिया जाएगा, भक्ति का आधार दे दिया जाएगा, बाहर से तुम्हें कुछ क्रियाएं दी जाएगी, लेकिन भीतर से तुम कितना हील कर रहे हो, तुम्हारे केंद्र, तुम्हारे चक्र कितने और अधिक संतुलित और एनर्जाइज हो रहे हैं, वो साधना का स्वरूप है। तुम्हें निश्चय हुआ इन 4 वर्षों में कि साधना का ये स्वरूप है। इसका परिणाम क्या होगा? ये तुम्हें जन्मों जन्म की जड़ क्रियाओं से बचाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? जन्मों जन्म तुम सत्य की खोज के नाम पर जिन जड़ क्रियाओं में भागते थे, यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, उन सब से बचोगे और तुम रूपांतरण, सत्य की प्रतीति, अनुभूति के लिए बाहर नहीं भीतर भागोगे। तो दूसरा लाभ हुआ, साधना का निश्चय हुआ। पहला लाभ हुआ इन 4 सालों में, तुम देख लेना तुम्हें हुआ कि नहीं, सद्गुरु तत्व का निश्चय हुआ, इसका लाभ क्या होगा? स्वच्छंद से बचाएगा। जन्मों जन्म के, इस जन्म के नहीं, दिमाग में लेबल बैठ गया कि बिना सद्गुरु के कोई शास्त्र कभी समझ नहीं आ सकता। दूसरा, तुम्हें साधना का निर्णय होगा, निश्चय होगा कि साधना तो इसी को कहा जाता है, बाकी सब क्या है? बाह्य क्रियाएं हैं। साधना यानी भीतर कुछ करना, अपने अंदर कुछ करना, इसको ही साधना कहा जाता है। तो बाहर की जड़ क्रियाओं से तुम बच गए, जन्मों जन्म जड़ क्रियाओं में जो उलझे हुए थे, अब आगे के लिए उस उलझन को तुमने हटकाया, तो तुम्हारा और मेरा गठबंधन रहेगा। और तीसरा लाभ, स्वरूप का निश्चय हो जाए। स्वरूप क्या है, किसे पाना है, किसकी अनुभूति करनी है, उस अनुभव के अंदर होता क्या है, ये कितनी सारी बातें हैं जिसका निश्चय तुम्हें अब हो गया है, हो रहा है। यस और नो? स्वरूप का निश्चय होगा जब तुम्हें, वो तुम्हें शुष्क ज्ञान से बचाएगा। परिणाम क्या है? शुष्क ज्ञान से बचाएगा। जहां तुम्हें स्वरूप का निर्णय हो गया, आत्मा ऐसा ही है, मैक्रोकॉज्म माइक्रोकॉज्म हर तरफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ईश्वर और तुम बिल्कुल एक दूसरे के भीतर ही हो, यहां इनसे छूटने का कोई ढंग ही नहीं है। और इसलिए जब मीरा ने गाया तो मीरा ने ये नहीं कहा कि संसार समुद्र तैर लिया, भव समुद्र तैर गया, ऐसा नहीं कहा, उसने क्या गाया? भव समुद्र सूख गया, शाबाश। मैं जहां हूं वहीं ईश्वर है, मैं जहां खड़ी हूं वही कृष्ण है, मुझे उस पार जाना ही नहीं है। लवली, क्या बातें कही है। मुझे सालों से मेरी फेवरेट भक्ति है, आज तुम लोगों ने ले ली, अद्भुत भक्ति। भव समुद्र पार करने के बाद जहां सारे भक्त कर रहे हैं कि भगवान तू उस पार, मैं इस पार, ले चलो उस पार, ये झंझट ही नहीं है मीरा को। मीरा कहती है, मुझे तो भव समुद्र ही सूख गया, पार जाने की कोई चिंता ही नहीं है, मैं जहां खड़ी हूं कृष्णा तू उस हर क्षण और हर कण में है। वाह। और इधर कबीर ने गाया, साहेब मिले सबूरी में, एक ही शब्द होगा जो तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, साहेब मिले सबूरी में, साहेब यानी ईश्वर, ईश्वर सबूरी में मिले, सबोरी, सबोरी दोनों शब्द कहे जाते हैं इसके लिए, सबोरी
एक उस मुहूर्त का नाम है कि जहाँ चांद और सूरज इकट्ठे आसमान में दिखते हैं, और इसलिए हिंदू परंपरा ने जब लड़की की विदाई करते हैं तो जो डोली उठाने का समय होता है, विदाई का समय होता है, वो घड़ी होती है जब चांद और सूरज इकट्ठे तुम्हें आकाश में दिखे। वो समय है वास्तव में जब चंद्र और सूरज यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज एक परफेक्ट रूप में तुम्हें आकाश में दिखे। ये समय माँ बाप अपनी बेटी को कहते हैं, जाओ अब तुम भी एक हो जाओ, जाओ तुम्हारा भी विदाई करके एक होने का समय अब यहाँ से शुरू होता है। ये एक बहुत ही गहन सोच है, गहन। फेमिनिन और मैस्कुलिन का एक बैलेंस, दोनों उपस्थित हैं, दोनों। ये साये पड़ते हैं, तुम कहते हो ना साया है, साया, अभी दिल्ली में बहुत साया चल रहा था, वो साया मून की अपेक्षा से देखा जाता है, सूर्य की अपेक्षा से नहीं। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, त्रयण ऊर्जा और पूर्ण ऊर्जा का जब संपूर्ण संतुलन है, वह समय माना जाता है मिलन के लिए अब यात्रा प्रारंभ की जाए। तुम जाओ एक हो जाओ अपने नर नारायण के साथ, तुम जाओ एक ऐसा जीवन जियो और आगे के लिए ऐसे ऐसे जनरेशंस को उत्पन्न करो कि जो इस धर्म की यात्रा को आगे बढ़ाए, अध्यात्म को आगे बढ़ाए। यहाँ कह रहे हैं कबीर, साहिब मिले सबोरी में। सबोरी उस मुहूर्त का नाम है, आंतरिक साहिब कब मिलेंगे, तुम्हारा अपने साहिब से मिलन कब होगा, जब तुम्हारी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज पूरी बैलेंस के अंदर आ गई, कंप्लीट स्टेट ऑफ बैलेंस। इड़ा पिंगला दोनों बैलेंस होके सुषुम्ना तुम्हारी एक्टिवेट हो गई, दैट इज द टाइम जब तुम सत्व में आकर सत्व से छलांग मारकर गुणातीत का अनुभव करने के लिए तैयार हो। तो इसने जो गाया सबोरी में मिले, इन्होंने जो गाया भव समुद्र सूख गया, ये अब मैं तुम्हें किसी शुष्क ज्ञान में नहीं पढ़ने दूंगी, क्योंकि सबोरी का मतलब लोग क्या पकड़ेंगे, संध्या काल, वो जो सुबह का काल है, सूर्य उदय भी हो रहा है, सूर्य भी आ गया है और चंद्र भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, उस टाइम पे साधना करो। जड़ क्रिया और शुष्क ज्ञान तुम्हें उसके लिए प्रेरित करेगी कि वो ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि दोनों सूर्य और चंद्र दोनों उपस्थित है। वैसे तुम्हें पता होगा चंद्र हमेशा ही उपस्थित होता है, चंद्र कभी भी एब्सेंट होता ही नहीं, हमेशा ही उपस्थित है, लेकिन ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं। इन प्रतीकों से यही निश्चय होता है कि जब तुम्हारा सूर्य और चंद्र, इड़ा और पिंगला, जब तुम्हारी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज संतुलन के, बैलेंस के उस पीक पर पहुंच जाती है, तभी साहिब से हमारा मिलन होता है। तो इन तीन वर्षों में, इन चार वर्षों में तुम्हारे तीन निर्णय तो पक्के हो जाने चाहिए। सद्गुरु तत्व की निष्ठा, तुम्हें हाँ या ना बोलना है, सद्गुरु तत्व की निष्ठा हुई, अगर हुई है तभी आगे जन्मों जन्म में गुरु तत्व तुम्हें मिलेगा, इस रूप में मिले ना मिले, किसी भी रूप में तुम्हें तभी मिलेगा, और इस रूप में भी तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि पूर्व के जन्मों में तुमने कहीं ना कहीं निष्ठा जरूर की थी। दूसरा, तुम्हें साधना का स्वरूप समझ में आ गया, हाँ के ना, कि साधना यानी कोई जड़ क्रिया नहीं, साधना यानी आंतरिक रूपांतरण के लिए जो भी क्रिया होती हो। और तीसरा, स्वरूप की समझ तुम्हारी अब दृढ़ हुई, हाँ के ना, यस yes. अगर ये तीन साथ है तो थोड़े थोड़े और रूपांतरण गौण रूप से भी तुम्हें अपने जीवन में समझ में आते होंगे। तुम्हारे संग का परिवर्तन हुआ होगा, तुम जिनकी संगत में पहले रहते थे उसमें से अब तुम्हारी संग, तुम्हारी कंपनी के ऊपर कुछ असर आया कि नहीं, इमीडिएट इफेक्ट्स तुमने देखने को मिलेंगे कि इन चार वर्षों में जो तुम्हारे यार दोस्त, जो तुम्हारी मित्र मंडली पहले थी उसमें से अब कुछ बदली कि नहीं बदली। तुम कहोगे प्रभु लगभग खत्म हो गई, किसी के साथ भी बैठो कहते क्या बुझी बुझी बातें कर रहे हो, कैसी बातें करते हो तुम, वो तुम्हारे उल्लास तुम्हारे आनंद को समझ ही नहीं पाता, और इसलिए धीरे धीरे तुम्हारी कहीं ना कहीं संग की बातें, संग तुम्हारी कम हुई, बदल गई। दूसरा, तुम्हारे सोचने का ढंग बदला, सोचने का ढंग बदला। अब कोई आता है तो तुम्हें अपनी फाइल दिखती है, उसका गुस्सा नहीं दिखता, हाँ कि नहीं, अब तुम्हें लिए एक और फाइल आई। मैं तुम्हें खाली अवगत करा रही हूँ, भूमिका बनाने की आदत है ना, तो इस भूमिका के अंदर भी कुछ ठोस भर के देना चाहती हूँ तुम्हें कि
कि इन चार वर्षों में जगह तो बदल जाएगी, अभी अगले साल से हम सत्य साई ऑडिटोरियम में होंगे, अगले दो वर्षों के लिए जब तक धम्मपद की यात्रा चलेगी, जगह बदलने से लाभ तुम्हें क्या होना चाहिए ये निश्चय करते जाना। तुम्हारा संग बदल रहा है, यस और नो? तुम्हारे सोचने का ढंग बदल रहा है, यस और नो? जो पहले तुम इतने इतने समय तक चिंता में रहते थे, अब तुम्हारी चिंता का समय जो टाइम लैप्स है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं? मैं अभी कलकत्ता में एकम में थी तो वहाँ मैंने सत्संग शुरू यहाँ से किया कि चिंता है तुम्हें कि नहीं है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, है कि नहीं है? अभी भी है, चलो है, हाँ तुम प्रामाणिक लोग हो इसलिए तुम बोलोगे है प्रभु, यहाँ नहीं है। आप पूछो यहाँ कोई चिंता नहीं, यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जिंदगी में चिंता तो है। और भाई इस पर तो हाँ ही बोलना, क्योंकि जिंदगी में चिंता है, दुख है, सफरिंग्स है, उसी के आधार पर हमारा धम्मपद शुरू होने वाला है। तुम इसी को मना कर दोगे तो धम्मपद की फाउंडेशन हिल जाएगी। बुद्ध का पहला आर्य सत्य ही ये है कि जीवन में दुख है, चार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य ही है। इसलिए दुख है, संघर्ष है, तनाव है, चिंता है, सब कुछ है। अच्छा, अब जिंदगी में चिंता है या नहीं है, दो ही ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। यदि चिंता नहीं है तब तो मजे में जाओ, उत्सव मनाओ, इंजॉय करो। यदि चिंता है तो वापस दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, या तो उस चिंता का समाधान है या उस चिंता का समाधान सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो वापस इंजॉय करो, चिंता की क्या बात है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ना, इंजॉय। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो भी क्या चिंता, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है उसकी चिंता करके क्या करोगे। इन एनी केस लाइफ वॉन्ट्स यू टू एंजॉय, लाइफ वॉन्ट्स यू टू सेलिब्रेट, लाइफ वॉन्ट्स यू टू एंजॉय दिस फेस्टिविटी ऑफ क्रिएशन। ये पूरे क्रिएशन का एक उत्सव चल रहा है, उसका नाच चल रहा है, उसकी लीला चल रही है। तुमने देखा नहीं कृष्ण ने हाथ उठा उठा के पूरा प्रकृति का क्या निर्माण कर डाला? अरे ऐसा ही है, ये पूरा खेल है, ये इस खेल को इतना सीरियसली मत लो। अरे मैडम मैं समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, राधा कृष्ण का है ये, वो नहीं देखते होंगे तो बाद में बताना। जब मैं समझा रही हूँ मैं चाहूंगी आप सब केवल 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 मुझे देखो, और उसका भी कारण है। मैं किसी भी जड़ क्रिया में तुम्हें नहीं जाने दे रही, उसका भी कारण मैंने बताया अभी कलकत्ता में ही बताया, कृपा दृष्टि। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि और मेरी दृष्टि का मिलन हो जाए ना, वो क्षण होता है कृपा दृष्टि पाने का। और ये कब होगा, कब होगा, कब? मैं तो इधर उधर देखती रहूंगी लेकिन तुम कंटिन्यूअसली मुझे देख सकते हो कि नहीं? बस मुझे त्राटक चाहिए, त्राटक चाहिए, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे सत्य साई में जाके बैठेंगे। तो इन तीन चार वर्षों के अंदर, तीन वर्ष भगवद गीता के, उससे पहले एक वर्ष नारद भक्ति सूत्र का, लगभग आठ महीने नारद भक्ति सूत्र चला, उससे पहले दो वर्ष लगभग हमारा अष्टावक्र गीता चला, अब लगभग दो वर्ष हमारा धम्मपद चलने की संभावना है, क्योंकि बड़े प्यारे सूत्र हैं। पूरा फिलॉसफी पार्ट तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत क्लियर कर दिया, अब हम सीधा क्या करना है मॉरालिटी ग्राउंड्स उसके ऊपर जाएंगे। जीवन के एक एक पग पर धम्मपद तुम्हें सावधान करेगा, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं बोलना, एक एक बात पर धम्मपद तुम्हें वो क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट दे देगा, तुम्हारे को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा ये करना है ये नहीं करना। तुम्हारे को किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी से पूछने जाते हो तब तक निश्चय है कि तुम्हारा निश्चय नहीं है। तुम किसी से पूछने जा रहे हो इसका मतलब ही ये है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एक्ट, इजंट इट? जब तुम कॉन्फिडेंट हो किसी एक्ट के लिए, आज तुम्हें सत्संग में आना है संडे, तुम किसी से पूछने जाओगे कि हम जाएं कि ना जाएं? जब तुम किसी विषय के प्रति निश्चित होते हो तो तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता, तुम्हें बार बार अपने बारे में, अपनी इवोल्यूशन के बारे में दूसरों से पूछना पड़ता है, तो इसका मतलब ही ये है तुम अपने बारे में क्लियर नहीं हो। धम्मपद तुम्हें बहुत क्लैरिटी देगा। वैसे तो तुम कहोगे कि अब क्या बाकी रहा, भगवद गीता सुनने के बाद
क्या बाकी रहा प्रभु, लेकिन धम्म पद सुनना शुरू करोगे और तुम्हें लगेगा ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। एक नया अध्याय आरंभ करना। अमेजिंग। एंड बुद्ध इज वेरी प्रैक्टिकल। कृष्ण की कुछ बातें 11वां 10वां अध्याय तुम्हें समझ नहीं आता होगा, विश्वरूप दर्शन ये वो, अभी भी इट इज अंडर कॉन्ट्रोवर्सीज, अभी भी दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। लेकिन वो बातें छोड़ो, बुद्ध ने वो बातें ही नहीं उठाई। बुद्ध ने सीधा कहा तुम्हें क्या करना है, इसकी बात करेंगे। तो इन 4 वर्षों में तुम्हें सद्गुरु तत्व की निष्ठा हुई, इसका परिणाम क्या? जन्मों जन्म के स्वच्छंद से तुम बच जाओगे, हर जन्म में समर्पण तुम्हारे सिर पर छाया रहेगा। दूसरा, तुम्हें साधना की समझ आई, साधना का निर्णय हुआ, इसका परिणाम क्या होगा? तुम जन्मों जन्म की जड़ क्रियाओं से बच जाओगे। और तीसरा लाभ क्या हुआ? तुम्हें स्वरूप की समझ में आई, इसलिए कोई तुम्हें कैसे भी शुष्क ज्ञान में फंसाना चाहेगा तुम नहीं फंसोगे, तुम वास्तविक स्वरूप की समझ के साथ ही आगे बढ़ोगे। बस ये 3 तुम्हारे भीतर है, तो हम आगे की यात्रा के लिए तैयार भी हैं और तत्पर भी हैं। अब से मुझे 1:30 बजे संपन्न करना है। बोलो तुम भी, तुम्हारे साथ से ये कार्य होगा। और उसमें भी 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय, 78 श्लोक हमें शिविर में पूरे, वो तो हो ही जाएंगे शिविर में। तो वहाँ मुझे हर बार इतनी लंबी लंबी भूमिका थोड़ी बनानी है। अभी तो तुम यहाँ की लाइन से छूटे और 1 घंटे में वापस तुम पहुँचोगे हॉल के अंदर। शिविर में तो ऐसा ही होता है। अभी तो यहाँ से गए नहीं कि दूसरे सेशन की लाइन्स लग जाती है, और दूसरे सेशन में आओगे तो दोबारा थोड़ी मुझे आधा पौना घंटा भूमिका बनाने में लगेगा। आई कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करो। 1 घंटा तो वैसे ही किसी सत्संग में जबकि ले जाते हो तुम लोग। तो शिविर के अंदर हमने अंतिम अध्याय करना है, 1:30 बजे तक अब खत्म करने की आदत डालनी है। लेकिन वंस अगेन, टुडे सत्संग इज अ रेवोल्यूशनरी वन, लास्ट रेवोल्यूशन। आहा, क्रांति का इतना उत्साह। क्रांति का इतना उत्साह जब होता है, जब रेवोल्यूशन का इतना उत्साह होता है, तभी रूपांतरण आता है हमारे भीतर। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज का सत्संग शायद तुम्हें 2-3 बार वापस सुनना पड़े, क्योंकि मैं तो फटाफट समझा जाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी हर बात तुम्हें 2-2, 3-3 बार समझाऊं, जैसे कि मेरी आदत है। लेकिन इसके अंदर सब कुछ समा जाएगा, जो कुछ भी फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से तुमने समझा, जो कोई कर्म योग से समझा, जो कुछ भक्ति योग से समझा, जो कुछ ज्ञान योग से समझा, उन सब का समेटना आज के सत्संग में हो जाएगा। और हम 1:30 बजे पूरा भी कर देंगे। आज का सत्संग कितनी फास्ट चलने वाला है तुम सोचो, लेकिन आज तुम्हें पूरा रिसेप्टिव होना होगा, क्योंकि आज ओम तत् सत की बात आ रही है। वैसे देखो तो कृष्ण यहाँ बात को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हरिओम तत् सत करके या तो बात को आरंभ किया जाता है या बात को ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ हरिओम तत् सत करके 17वें अध्याय पे भगवद गीता ख़त्म की जा सकती थी। अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी कि 18वां अध्याय वास्तव में है कि नहीं है, लेकिन हम तो लेने ही वाले हैं, वरना हम शिविर में क्या करेंगे। तो लेना तो है ही, 18 अध्याय सबका निचोड़ है। वापस एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे कि 3 वर्षों में हमने क्या क्या किया। सब कुछ 18वें अध्याय के पहले से 78 श्लोक तक आ जाएगा। 73rd श्लोक में कृष्ण बोलेंगे, अर्जुन भाई बोलेंगे, करिष्ये वचनम तव, सारा मोह मेरा विनष्ट हो गया, सारी मेरी भ्रांतियाँ टूट गई, नष्टो मोह वाला श्लोक आ जाएगा। और उसके बाद संजय इसको समाप्त कर देगा। संजय कौन है हमारे इस पात्रों में? अवलोकन। अवलोकन इसको क्लोज करेगा कि मैंने ये पूरी गीता इस तरह से देखी। आज हम आ जाते हैं अंतिम विषय पर अपने, 23 से लेकर 28 तक के श्लोक हैं। किताब में जो लिखा है गीता प्रेस की, वो बहुत ही स्थूल अर्थ है, लेकिन हम इसी बात की सूक्ष्मता के अंदर जाकर पूरी भगवद गीता या पूरा ईश्वर के स्वरूप को या व्यक्ति के भीतर ईश्वर की खोज की यात्रा को आज के इन 5 श्लोकों के माध्यम से संपन्न करेंगे। यज्ञ तप और दान का सात्विक राजसिक तामसिक गुण बताने के बाद, अब 4 श्लोकों के अंदर ऊपरी स्तर पर, बहुत ही सरफेस लेवल पर, बहुत ही ग्रॉस लेवल पर ओम तत्सत की बात बताई है कि यज्ञ तप
और दान के अंदर तामसिक से पहले राजसिक होना या राजसिक से सात्विक होना, सात्विक होने के बाद भी कुछ करना बाकी रह जाता है और वो क्या है, ईश्वर की अर्पणता। तुम सात्विक को भी मेरा किया हुआ मान लोगे तो वो कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए तुम्हें ईश्वर के नाम से उसको, ईश्वर को अर्पण करके सत्व से भी गुणातीत की ओर जाना है। ऐसा ऊपर ऊपर के स्तर से भगवद्गीता में लिखा गया है, लेकिन हम इसका थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, थोड़ा गहन दृष्टिकोण जो अर्जुन को उसकी आंतरिक यात्रा में मदद करे, ऐसे दृष्टिकोण पर बात करेंगे। तुम ले सकते हो 23, 24, 25, 26, 27, 5 श्लोक इकट्ठे ले लो, 28वां श्लोक लास्ट में हम ले लेंगे, 5 श्लोक एक साथ। 17वां अध्याय श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविदः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। तस्मात् ओम इति उदारितयः यज्ञः दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावी साधुभावी च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत् इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। बहुत ही स्थूल अर्थ मैं भी पढ़ रही थी तो मैंने देखा और मैंने काफी व्याख्याएं निकाली, लेकिन मुझे लगा ये अंत अंत में इतनी स्थूलता क्यों, वैसे तो काफ़ी श्लोकों के अंदर काफ़ी गहराई नापी हमने, लेकिन इन श्लोकों के अंदर जो गीता प्रेस की यहाँ पर व्याख्याएं हैं ओम तत् सत् ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। नाम लिखा है तुम्हारे में, ये नाम नहीं है, ये निर्देश है, क्योंकि संस्कृत श्लोक के अंदर निर्देश शब्द है। तुमने निर्देश कहा, निर्देश। ओम तत् सत् से सच्चिदानंद घन यानी ईश्वर की पहचान है, निर्देश है, ये नाम नहीं है। नाम मतलब तो किसी का नाम ले दिया। उसी के सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ब्राह्मण यानी जानने वाला, वेद यानी ज्ञान और यज्ञ यानी जानने की विधि, ये तीन शब्द।
यहाँ पर ऊपरी ऊपरी शब्द चल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी गंभीरता से लेना होगा। सृष्टि के आदि में तीन चीजों की रचना हुई। आदि में तुम समझते हो बिग बैंग हमारा। ब्राह्मण यानी जानने वाले की रचना हुई, वेद यानी ज्ञान की रचना हुई, और यज्ञ यानी उस जानने वाले को जानने की विधि क्या है इसकी भी रचना हो गई आदिकाल में ही। यानी जो कुछ भी हम अभी कर रहे हैं या हम अभी आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं, ये अभी का नहीं है, इसका आरंभ तो सृष्टि की रचना के आदिकाल में आरंभ में ही, द मोमेंट द बैंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसी क्षण से उसी समय से जानने वाले की भी स्थापना हुई, ज्ञान की भी स्थापना हुई, और उस जानने वाले को जानने की विधि क्या है, इन तीनों की स्थापना हुई है। यानी ब्राह्मण, वेद और यज्ञ। इस ओम का स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं ओम के प्रयोग की व्याख्या दे रहे हैं यहाँ। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ये खाली प्रयोग की विधि बता रहे हैं तुम्हें, ओम के प्रयोग की विधि, अगले श्लोक में तत् शब्द के प्रयोग की विधि, और तीसरे ये 26 और 27वें श्लोक के अंदर सप्त शब्द के प्रयोग की विधि। लेकिन इनका स्वरूप क्या है, यहाँ पर श्लोक में है स्वरूप लेकिन व्याख्या के अंदर नहीं है। और ऊपर जो छोटे छोटे टाइटल्स दे रखे हैं, तुम्हारी किताबों में भी टाइटल होते हैं, छोटे छोटे टाइटल्स, छोटी किताबों में टाइटल्स हैं, ओके, तो वो छोटे छोटे टाइटल्स के अंदर भी उस बात को समावेश नहीं किया, लेकिन जो श्लोक है वो मूल अर्थ में स्वरूप समझाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन जहाँ व्याख्या करी, द ग्रॉस मिसइंटरप्रिटेशन या द ग्रॉस मोस्ट ग्रॉसेस्ट इंटरप्रिटेशन, के जिसके अंदर श्लोक का केवल ऊपरी निश्चय कराया गया है, उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो नहीं बताया गया। ओम शब्द के प्रयोग की व्याख्या में तो बस इतना ही कह पा रहे हैं कि हर कार्य ओम के नाम से शुरू करो। लेकिन हमने नाम शब्द को किससे रिप्लेस किया, निर्देश, निर्देश यानी उसके स्वरूप की समझ से। ओम शब्द में वही समाया है, ओम शब्द के अंदर केवल ईश्वर ही समाया है, इस निश्चय से बात को शुरू करो। और जब ओम में वो है तो बाकी सब कुछ ओम की ही मैनिफेस्टेशंस है, बाकी सब कुछ उन ओम में से ही बाहर आया है, तो उसमें भी वही समाया है। अगर ओम में ईश्वर है तो बाकी सभी शब्दों में ईश्वर है। ओम इज द ग्रॉस साउंड। तुमने कभी किसी समुद्र का रोर सुना है, समुद्र की गर्जना? कभी तुम किसी समुद्र के किनारे गए हो, वहां तुमने समुद्र की गर्जना तुम बैठोगे ना, तो तुम्हें अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से गर्जना सुनाई देगी। वो गर्जना समुद्र की है, यानी टोटल सम टोटल हम मार के देखें तो हम कहेंगे समुद्र की गर्जना है। लेकिन यदि उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, थोड़ा उसके अंदर थोड़ा वो ब्रेक्स डालें, तो पता चलेगा इट इज सम टोटल, इट इज अ एग्रीगेट ऑफ द रोर ऑफ एवरी वेव, इजंट इट? हर एक लहर में कुछ कुछ आवाज आ रही है, जिसका सम टोटल क्या है, पूरा का पूरा रोर। तुम्हें ये बात तो समझ में आई रही होगी, हर एक के अंदर थोड़ा 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 कुछ आवाज है, लेकिन उसको हम हर एक की आवाज को नहीं समझ पाते, लेकिन हम उस पूरी रोर को सुन पाते हैं। लेकिन रोर को सुन के ये निश्चय होता है कि हर वेव के अंदर अपनी एक आवाज होगी। द रोर इज द सम टोटल, लेकिन हर वेव की अपनी एक आवाज है। इसी तरह ओम इज द सब टोटल, पूरा टोटल, इट इज द एग्रीगेट। लेकिन ये एग्रीगेट है मतलब हर क्षण, हर पल, हर व्यक्ति, हर सोच, हर वस्तु, हर स्थिति, हर एक सत्व रजस तमस के अंदर उसका कुछ ना कुछ योगदान होगा, यस और नो? तुम्हें एनालॉजी समझ में आ रही है, तभी तुम समझ पाओगे आज का पूरा सत्संग, बिट साइंटिफिक। व्हाट इज गॉड? मैं अभी आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ, ब्रीफ क्वेश्चंस टू बिग आंसर, स्टीफन हॉकिंग्स की है। हाँ, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन, उल्टा हो गया, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन, स्टीफन हॉकिंग्स यानी विश्व के अभी के आइंस्टाइन जिसे कहा जाता है, उनकी किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, और उसके अंदर पहला दूसरा चैप्टर ही है व्हाट इज गॉड, व्हाट इज गॉड। और जिस साइंटिफिक अदा से हमने बताया, मुझे कई बार लगता है कि स्टीफन हॉकिंग्स ने सत्संग जरूर, अब तो वो चला गया, उसके बाद ही हमने ये सब बातें कही। बाई चांस ये किताब अभी पात प्रभु लेकर आ गए मेरे लिए, तो व्हाट इज गॉड,
जब उसके अंदर भी ये प्रश्न आया ना, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड, व्हाट तो हम कहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग पूछते हैं हु इज गॉड, स्टीफन हॉकिंग्स ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, बड़ा प्यारा। ये प्रश्न पूछना कुछ ऐसा है, हु इज गॉड, व्हाट इज गॉड, ये प्रश्न पूछना कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछना है, व्हाट इज साउथ इन साउथ पोल, बस इतना आंसर है, इतना आंसर। यानी तुम ये पूछो अशोक विहार में अशोक विहार क्या है, यानी तुम ये पूछो इस टेबल में टेबल क्या है, टेबल, अरे इस पूरे को ही टेबल कहते हैं भाई, अशोक विहार में अशोक विहार क्या है, इस पीतमपुरा में पीतमपुरा क्या है, तुम्हारे यूएसए में यूएसए क्या है, अरे भाई तुम कहोगे पूरे पूरे इसको यूएसए कहते हैं, कहते यही क्वेश्चन हर कोई पूछे जा रहा है, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड, ये इस तरह पूछना हुआ, व्हाट इज साउथ एंड साउथ पोल, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर एंड व्हाट अ क्लैरिटी। तो इस आंसर को आप समझ पा रहे होंगे, तुम्हारे पास खाने में पूरी आए, बढ़िया बढ़िया, आज तो आखिरी दिन है, होना चाहिए, पूरी वूरी होगी आज नहीं पता, ठीक है चलो पूरी आए, तुम कहो ये गौतम प्रभु तुम्हें सर्व करें, ये पूरी है, और तुमको पूरी क्या है इसमें, अरे भाई यही पूरी है, अब तुम्हें कैसे समझाया जाए, इसी को पूरी कहा जाता है, लेकिन इसमें पूरी क्या है, तो हर चीज पूरी है, इसी तरह व्हाट इज गॉड, तो हर चीज ही तो गॉड है यहाँ, वाह व्हाट एन आंसर। और मैंने तो किताब बंद कर दी उस दिन, जिस दिन मैंने खाली ये 4-6 लाइन पढ़कर ना स्टॉप कर दिया, इसके बाद जानने को कुछ रहा ही नहीं, तुमने जो भी लिखा आई गेट योर पॉइंट, हाउ वंडरफुल। इसी तरह ये जो ओम है, इस ओम के अंदर सब कुछ है, किस तरह सब कुछ है आज हम देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक के अंदर कह रहे हैं, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है, इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। और दो तत् का स्वरूप कुछ और ही है, यहाँ कुछ बहुत ही अलग लिखा है। सत का स्वरूप बताते हुए 26वें और 27वें श्लोक में लिखा है, सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म से में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसा कहा जाता है। यहाँ केवल कर्म की डायमेंशन से बात की गई है, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो कर्म ज्ञान और भक्ति, यानी अभी तक जो कुछ भी कृष्ण ने कहा है उन सबका समअप इन ओम तत् सत शब्दों के माध्यम से होगा, क्योंकि जो तुम्हें कैरी करके जाना है वो केवल ये तीन शब्दों का स्वरूप ही है, इन तीन शब्दों के प्रयोग की व्यवस्था है। तुम पूरी भगवद गीता याद नहीं रख सकते, इनफैक्ट तुम मुझसे पूछो मेन प्रभु आपने 14वें नंबर के सत्संग में क्या कहा था, तो मुझे भी नहीं याद होगा, लेकिन तुम्हें यदि सार पता होगा, इफ यू नो द ग्रॉस टोटल द एग्रीगेट, तो उससे तुम डिराइव कर सकते हो ना कि एग्रीगेट की आवाज़ ये है, सम टोटल की आवाज़ ये है, इसका मतलब हर लहर की कुछ इसी जाति की आवाज़ होगी। इसलिए आज का जो सत्संग है वो इससे थोड़ा हटके मैं तुम्हें इस पूरा ओम का स्वरूप क्या है, तत् का स्वरूप क्या है और सत का स्वरूप क्या है वो बताऊँगी, क्रिया कांड समझ अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओम क्या है? सबसे पहले तो ये निश्चय कर लेना कि ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक सिंबल है। जैसे अलग अलग ढंग से हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं तुम्हारे फिजिक्स में केमिस्ट्री में, हर जगह सिंबल्स को यूटिलाइज किया जाता है, तो सिंबल का अर्थ है कि वो किसी शब्द की ओर सूचना कर रहा है, किसी संगठन की ओर सूचना कर रहा है। जब हम पानी का सिंबल लिखते हैं यहाँ पर H2O, तो पानी का मतलब वो H को देखो, 2 को देखो, O को देखो, ये नहीं है। वो क्या बता रहा है कि इसका मतलब है इसके अंदर कहीं ठंडक है, इस H2O के अंदर कहीं ठंडक है, कहीं लिक्विड फॉर्म है, कहीं नहीं है। लेकिन H2O वर्ड सुनकर जिसे भी पता है वो तुरंत उसका दिमाग कहाँ जाएगा, H2O मतलब पानी, वो ठंडा ठंडा, ठंड में जो ज़्यादा ठंडा लगता है, गर्मी में जो ज़्यादा गर्म लगता है, ऐसे पानी का पूरा स्वरूप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस करते थे तो वहाँ पर एक ऐसे छोटे सा ट्रायंगल का साइन लगा देते थे, हीट का साइन है। वहाँ पर कहीं इस ट्रायंगल के अंदर हीट है,
नहीं है, लेकिन तुम ट्रायंगल का साइन समझकर ही तुमने थ्योरी में ट्रायंगल लगाया है, तो जब तुम वहां लेबोरेटरी में जाओगे टेस्ट करने, तुम वहां पर भी ट्रायंगल लगा देते होगे? नहीं, तुम नीचे बर्नर चलाते हो, तुम बर्नर जलाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये इक्वेशन पूरी तब होगी जब उसको हीट दी जाएगी, तुम वहां ट्रायंगल नहीं लगा कर आ जाते, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तुम उस ट्रायंगल का मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि हमें वहां जाकर इसके अंदर अग्नि देनी है। तुम कोई भी हर्ट्स, किसकी होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कुछ भी है उसका सिंबल एच जेड देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी का कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जिसने भी बनाया, जिसने खोजा होगा, उसी के नाम पर ये सिंबल रख दिया। फ्रीक्वेंसी की जहाँ बात आती है, तुम पीछे सिंबल लगा देते हो एच जेड। एच जेड देख के तुम्हें तुरंत पता चलता है ना कि इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट, इसका ये सब कितना होगा, तुम्हें इमीडिएटली आइडिया आ जाता है। हर चीज को समझाने की, और उसमें भी बड़ी चीज़ों को समझाने के लिए छोटे छोटे सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ईश्वर की इस पूरी संतति को समझाने के लिए इस ओम शब्द का प्रयोग किया गया है। इट इज अ सिंबल ऑफ गॉड प्रिंसिपल, द वर्किंग ऑफ गॉड प्रिंसिपल, द पॉसिबिलिटी, द हैपनिंग ऑफ गॉड प्रिंसिपल, उसकी पूरी की पूरी व्याख्या, समझ इसके माध्यम से दी गई है। देखते हैं कैसे। वंडरफुल, तुम तालियां बजा बजा के अपने आप को जगा के रखना आज के सत्संग में। चलो बाद में इसको, क्या है ये, सबको नजर आ रहा है? छह बातें समझनी है। तुम कहोगे छह बातें कहां से आएगी? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, छह बातें आएंगी इसके अंदर। मैं स्लोली जाऊंगी थोड़ा, ताकि तुम लोगों को कोई इस कंसेप्ट के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब ये पूरा सार के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। छह बातें करनी है, तो तुमसे पूछा जाए कि ये ईश्वर की सृष्टि क्या है, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया व्हाट इज़ गॉड, उसने कहा गॉड इज़ एवरीथिंग। तो तुम्हें जैसे हमने समझाया था कि गॉड ऊपर से वहाँ से आया, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, और उसमें सत्व रजस और तमस, ये तीनों गुणों की स्थापना है, क्योंकि वॉट एवर यू आर सीइंग ना, जितना भी कुछ तुम दृश्य जगत में देख पाते हो वो कहीं ना कहीं सत्व रजस और तमस का ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। सत्व ज़्यादा है, रजस कम है, तमस ज़्यादा है, कोई ना कोई सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशंस ही तुम देख पा रहे हो और कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी लीला क्या है? तो योगियों ने कहा इसे समझाएं कैसे, तो उन्होंने ये तीन छोटे छोटे कर्व्स बना दिए। एक कर्व बनाया सत्व का, तुम बताओ इसमें सत्व का कर्व कौन सा होना चाहिए? सोचो, सत्व यानी स्टेट ऑफ बैलेंस, रजस यानी दूर दूर भागना, और तमस यानी सोए रहना। मैंने इशारा दिया है तुम्हें, जो सतत बाहर भाग रहा है ये तो हो गया रजस, ये बाहर की तरफ भाग रहा है कर्व, ये एक बैलेंस में है ये हो गया सत्व, और ये जो सोया पड़ा है ये हो गया तमस। अब उन्हें सत्व रजस तमस को किसी को समझाना है योगियों ने, तो उन्होंने ये दे दिया पूरा कि एक है, मेरी ही प्रकृति का एक हिस्सा है जो सतत बाहर की तरफ भाग रहा है, वो क्या है? रजस। एक है जो सतत सोया पड़ा है, इनर्शिया में है, निद्रा में है, आलस में है, वो कौन सा है? तमस। और एक है जो परफेक्ट बैलेंस है, वो कौन सा है? सत्व। अब उन्हें इन तीन प्रिंसिपल्स को समझाना था, इसलिए इसको बनाना हमें यूं चाहिए, कंप्लीट बैलेंस, ये रजस जो सतत बाहर भाग रहा है और ये तमस। तो फिर ये सब बना कैसे? ये सब वाइब्रेशंस, इट इज नथिंग बट रिवर्बरेशंस, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग वाइब्रेशंस हो रही है, सब कुछ एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। ये आया कहाँ से? तो बोला ये शुरू हुआ बिग बैंग से, ये बिग बैंग का ओपनिंग पॉइंट है, दिस इज बिग बैंग, यहाँ से ये आरंभ हुआ। विज्ञान अभी यहाँ तक पहुँच पाया है, इसलिए तुम्हें जो चार्ट्स में दिखाती हूँ वो यहाँ तक, लेकिन विज्ञान को चाहिए प्रूफ,
लेकिन हमारे योगियों ने देखा कि ये जहाँ एक्सपैंड हुआ कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, क्लोज होके यहाँ ख़त्म होगा। विज्ञान को प्रूफ चाहिए इसलिए उसने यहीं तक बात की, लेकिन हमारे योगियों ने तो बिना प्रूफ के सब कुछ अपने ज्ञान से जाना है, तो उन्होंने इस पूरे ओम की सर्जन, ओम का सर्जन इस तरह से किया कि बिग बैंग होगा, शुरू होगा, यहाँ पर एक्सपेंशन तक होगा, फिर एक्सपेंशन के बाद धीरे धीरे इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी इतना लंबा इस बार चलने वाला है, हम प्रिडिक्ट करते हैं 84 बिलियन ईयर्स का है। ऐसा योगियों के कारण उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान दिया है, वी गेट टू नो दिस थिंग। तो जो सर्कल है वो किसको बता रहा है? बिग बैंग ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। इन्होंने बैंग शब्द यूज़ किया कब? ये बिग बैंग थ्योरी आई अभी 60-70 साल भी नहीं हुए इसको पब्लिश होने में, रिसर्च सालों से चल रही थी, पिछले 60 सालों में बिग बैंग थ्योरी पब्लिश हुई, लेकिन हमारी परंपरा में, योगिक परंपरा में, इन्होंने इस पूरी सृष्टि को जगत जननी के माध्यम से जाना है। जगत जननी यानी आद्य शक्ति, उसी को बोलते हैं जगत जननी, यानी जिसमें से जगत का जन्म हुआ, जगत का जन्म जिसमें से हुआ। और तुम उस आद्य शक्ति की जो मोस्ट रिलायबल सिंबल है वो शेरावाली माँ है। मोस्ट रिलायबल आद्य शक्ति जो मोस्ट निकट है, रिलायबल मतलब उनके प्रतीक को जो सबसे ज़्यादा संभालती हैं, वो है शेरावाली माँ। तो तुमने देखा होगा वो शेर के ऊपर बैठी हैं, और कितनी मज़े से बैठी हैं। शी इज़ नॉट राइडिंग, शी इज सिटिंग। राइडिंग के लिए तो यूं बैठना पड़ेगा, बट शी इज सिटिंग आराम से, एक पैर अपने यूं पैर पे चढ़ाया है, दूसरा ऐसे है, और अलग अलग वो है। शेर पर शेरावाली माँ आ रही है, माँ आ रही है मतलब फेमिनिन एनर्जीज आ रही हैं, शेर पर आ रही हैं, और दो हाथ नहीं है, कितने हाथ है? ऐसी 8 हाथ वाली औरत तुम देखो और शेर पर बैठ कर तुम्हारे पास आए, तुम उससे डर के भागोगे कि उसकी पूजा करोगे? सच बताना, तुम क्या करोगे? तुम भाग जाओगे, लेकिन इसकी तो पूजा की जाती है। ज़रूर कहने का तात्पर्य कुछ और होगा, तभी पूजा की जा रही है। उन योगियों ने इतने 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 वर्षों पहले इस बात का निश्चय दे दिया कि व्हेन द आद्य शक्ति जगत जननी कम्स, शी कम्स ऑन अ रोर, शी कम्स ऑन अ रोर। लायन रोर करता है ना, इसलिए तुम्हारे यहाँ इसको तुम बैंग कहते हो, लेकिन हमारे यहाँ हम इसको रोर कहते हैं, रोर। क्योंकि बैंग तो एक बार बचकर खत्म हो गया, रोर क्या होता है? गर्जना। और वो गर्जना, दैट गर्जना आई यानी साउंड आया यानी वाइब्रेशंस आई, ये हमेशा चलती रहेगी। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है शेरावाली माँ का। अभी तुम लोग अंधविश्वास से जाते हो उनके पास और माथा टेक कर आ जाते हो, प्रतीक समझे बिना तुम जो कुछ भी करोगे शुष्क ज्ञान है। मैं शेरावाली माँ के सामने मत्था टेकने के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मत्था टेको स्वरूप समझकर कि ये पूरी की पूरी जगत जननी माँ है, ये जगत को जन्म देने वाली आद्य शक्ति, लेकिन वो मैनिफेस्ट हुई ऑन वॉट? ऑन अ रोर। और रोर के लिए बेस्ट एग्जाम्पल लायन टाइगर से अच्छा और कौन हो सकता है? तो उन्होंने नीचे दे दिया लायन को। और फिर मैनिफेस्टेशन के अंदर भी कितने सारे हाथ दिए? 8 हाथ तो देते ही हैं, कोई 16 भी देगा, कोई 8 देगा, कोई 4 देगा, वॉट एवर द वे, बट हर बात का प्रतीक है यहाँ। एवरी थिंग इज सिम्बॉलिक कि सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग, गुड बैड। तुम उन 8 हाथों में देखोगे तो 4 ईविल मैनिक को रिप्रेजेंट करती है, 4 गुड को रिप्रेजेंट करती है, 4 बुरे का को रिप्रेजेंट करती हैं, 4 अच्छे को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी मेरे द्वारा ही अच्छा भी रचा गया है, मेरे यानी आद्य शक्ति द्वारा ही अच्छा भी रचा गया है, और आद्य शक्ति द्वारा ही बुरा भी रचा गया है। एवरीथिंग इज नथिंग बट माई मैनिफेस्टेशन। ये किससे पता चला? बिग बैंग। बिग बैंग से साइंस ने बताया, हमने शेरावाली माँ के माध्यम से कहा, तो मैं आपत्ति क्या? दोनों बात तो एक ही कह रहे हैं, और इनफैक्ट एक क्या कह रहे हैं, ये तो अधूरी बात कर रहे हैं साइंस। साइंस तो आधी बात कर रहे हैं यहाँ तक की, लेकिन हमारे योगियों ने तो इस सर्कल के माध्यम से ये समझाया कि ये बिग बैंग पहले यहाँ से यहाँ तक एक्सपैंड होगा, फिर एक समय के बाद यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बात ख़त्म। उसके अंदर 3 प्रकार की वाइब्रेशंस काम करेंगी, इस बिग बैंग के अंदर 3 प्रकार की वाइब्रेशंस काम करेंगी, क्योंकि इस बिग बैंग के अंदर 2 चीज़ें हैं, 1 इज़ मैक्रोकॉज्म और दूसरा इज़ माइक्रोकॉज्म।
ये शब्द से परिचित हो तुम? एक है विराट ब्रह्मांड और एक है सूक्ष्म ब्रह्मांड। विराट ब्रह्मांड के अंदर भी ये कार्य करेगी और सूक्ष्म ब्रह्मांड के अंदर भी यही कार्य करेगी। सूक्ष्म ब्रह्मांड कौन है? तुम। सूक्ष्म ब्रह्मांड है तुम, जितने भी बॉडीज है, छोटी छोटी जो कुछ भी चीजें हैं वो सूक्ष्म ब्रह्मांड और विराट ब्रह्मांड यानी जिसके अंदर ये सारा कार्य चल रहा है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशंस किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है? कहा कि सत्व रजस और तमस के थ्रू तो मैंने बनाया, लेकिन इसके अंदर सतत तीन कार्य चल रहे हैं मैक्रोकॉज्म के अंदर। मैक्रोकॉज्म में तीन कौन से कार्य सतत चल रहे हैं? सर्जन, संचालन और विनाश। मत बोलो, मेरा दिल दुखता है। कुछ भी यहाँ विनाश तो होता ही नहीं ना प्रभु। विसर्जन कहो, रूपांतरण कहो, डिसोल्यूशन डालते हैं इसलिए हम नाम, क्योंकि कुछ नष्ट तो होता ही नहीं। बिकॉज इट इज एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म। अलग अलग रूपों में जरूर आएगी। तो एक इसमें आया बिग बैंग के अंदर मैक्रोकॉज्म और एक इस बिग बैंग के अंदर आया माइक्रोकॉज्म। यहां तक तुम्हें बात सम्मत हो? सब कुछ समझा ही रखा है। बिग बैंग आया सत्व रजस और तमस के इन तीन गुणों से इसको गूंथा गया है, गूंथने के लिए कुछ चाहिए हमें, तो इन तीन गुणों से गूंथा है। मैक्रोकॉज्म के अंदर कार्य क्या चल रहा है? स्थूल रूप से सर्जन, संचालन और विसर्जन। सर्जन के लिए आ, संचालन के लिए ऊ और विसर्जन के लिए म। ये थ्री वाइब्रेशंस एग्जिस्टेंस में आई। आ इज द वाइब्रेशंस ऑफ सर्जन, ऊ इज द वाइब्रेशंस ऑफ संचालन और म इज द वाइब्रेशंस ऑफ विसर्जन। सर्जन, संचालन और विसर्जन, ये तीन वाइब्रेशन है। अब तुम मुझे बताओगे कि इसके अंदर आग किसको बोला गया होगा, ऊ किसको और म किसको? बताओ। ये है नंबर फोर, ये है नंबर थ्री, ये है नंबर टू। टू को सर्जन में डाले, थ्री को डाले या फोर को डाले? कहाँ मैं आ लिखूँ, कहाँ ऊ लिखूँ, कहाँ म लिखूँ? जिसको पता हो वो हाथ खड़ा करना, गुड़ 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 नहीं मत कर देना, क्योंकि फिर तो सभी में सब कुछ आ जाएगा। लेडीज फर्स्ट के क्या करूँ मैं, ऐसा ही करूं? हाँ बोलो कोमल प्रभु। सेकेंड को मैं दे दूं आ, ठीक है, ओके। इधर से बताओ, बोलो। हाँ प्रशम, थर्ड को मैं दे दूं? हाँ थर्ड को आ दूं? नहीं, जो राइट है इसीलिए मैंने यहां लिख दिया। नाउ यू हैव टू आंसर फॉर ऊ। ऊ किसको दूं मैं, बोलो कल्पेश। एक मिनट रुको, इधर से बोलो पल्लवी प्रभु। एक मिनट, ऊ किसको दूं मैं? लेडीज आर विनिंग। ऊ आएगा यहां पर फोर में, तो बचाइए तमस। मां संचालन सतत चल रहा है, सर्जन सतत चल रहा है, सतत नई चीजें सतत बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। उसके संचालन के लिए एक बैलेंस चाहिए। कोई भी चीज का क्रिएशन हो जाना, क्रिएशन तो रैंडमली हो रही है, लेकिन वही क्रिएशन सस्टेन हो पा रही है जिसके अंदर सत्व है, जहां बैलेंस है। और उसके बाद फाइनली डिसोल्यूशन। ये देखो डिसोल्व हो रहा है, खत्म होके वापस यहाँ एक पूंछ बनाई, ये वापस नया भी बनेगा। यहाँ खत्म हुआ लेकिन यहाँ से वापस शुरू हो जाएगा, यहाँ खत्म यहाँ शुरू। इस तरह मैक्रोकॉज्म के अंदर सतत सर्जन, संचालन, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन, तीनों चीजें लिख देती हूँ यहाँ। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? इन तीनों के लिए उपयोग किया ओम शब्द का। ओम की कितनी महिमा है, मेंटेनेंस और ये क्या है, विसर्जन। यस, तो ओम के अंदर एक कर्व जो है उन्होंने दिया आ को, ऊपर वाला कर्व उन्होंने दिया ऊ को, और साइड वाला जो सो रहा है कर्व वो दिया उन्होंने डिसोल्यूशन को, विसर्जन को। ये पूरी मैक्रोकॉज्म की घटना। तो अब ये मेरे से कैसे रिलेट होती है? हाउ डज इट रिलेट टू मी?
ये तो मैक्रोकॉस्म के अंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया। विराट ब्रह्मांड के अंदर सतत सर्जन संचालन और विसर्जन, सतत सर्जन संचालन विसर्जन, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। हाउ डज दिस रिलेट टू मी? ओके, वी कम बैक टू यू कि ये तुम्हारे साथ कैसे रिलेट होता है। तो तुम्हारे अंदर तीन अवस्था है, कुछ याद आ रहा है अष्टावक्र गीता के सत्संग? तीन अवस्था कौन कौन सी थी? वेकर, वेकर स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट। ये तीन स्टेट याद है? अभी हमें इसके एंगल से समझना होगा, वेकर, ड्रीमर एंड डीप स्लीप। वेकर यानी जागृत अवस्था, ड्रीमर यानी स्वप्न अवस्था और डीप स्लीप यानी। वेकर अवस्था क्या होती है, जागृत अवस्था क्या होती है? जहां तुम्हारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और मन सब कुछ बाहर की तरफ भागता है, बाहर की तरफ भाग रहा है सतत, चाहे शुभ के माध्यम से चाहे अशुभ के माध्यम से, लेकिन तुम्हारी सारी की सारी इंद्रियां और तुम्हारा मन सतत बाहर के सन्मुख है। इसको कहते हैं वेकर स्टेट। यस और नो बताओ, इसमें वेकर स्टेट कौन सी है? किसको दूं मैं वेकर स्टेट? टू नंबर, इसलिए मैंने मार्किंग करी है यहाँ। ये है हमारी वेकर स्टेट, जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में हर व्यक्ति को ये बोध सतत रहता है कि आई एम समथिंग। अपने डिवीजन का बोध हमेशा रहता है, मैं रत्ना हूं तो रत्ना ही रहूंगी, मेरे डिवीजन का बोध हमेशा मुझे रहेगा। आई एम समथिंग, ये बोध इस अवस्था के अंदर हमेशा रहेगा। फिर आती है दूसरी बात, ड्रीमर स्टेट। ड्रीमर स्टेट क्या है? तुम सो गए हो, तमस के अंदर चले गए हो, तुम सो गए हो, लेकिन ये चूंकि ड्रीमर स्टेट है तो इसके अंदर तुम कोई ना कोई स्वप्न ले रहे हो। स्वप्न जगत कैसा होता है? हमने भगवद गीता की एक सत्संग में ये बात करी थी कि व्हाट ड्रीम्स इंटरप्रेट अबाउट गॉड। स्वप्न जगत में तुम्हारी ही चेतना अलग अलग रूप ले लेती है। तुमने कभी ये चीज रिलेट की है? तुम स्वप्न देखोगे तो स्वप्न देखते देखते तुम ही बिल्डिंग बन जाओगे, तुम ही गाड़ी बन जाओगे, तुम ही वो वाला क्रुकेड स्ट्रीट, क्या था आपका? हाँ, मुझे सपना आया था एक दिन क्रुकेड स्ट्रीट का, यूं यूं हम ऊपर से जा रहे थे नीचे, तो तुम ही क्रुकेड स्ट्रीट बन जाओगे, क्योंकि वो क्रुकेड स्ट्रीट तो वहां से SFO से उठकर नहीं आई मेरे अंदर, मेरे सपने में मुझे क्रुकेड स्ट्रीट आ रही है, यूं यूं है। तुम्हें पता है, तुम लोगों को? अच्छा, अंकिता, तुम अंकित ही हो ना? हाँ हाँ, तुम आज यहाँ बैठे हो, देखकर बड़ा अच्छा लगा। इसका फेवरेट सॉन्ग है बिग बैंग वाला, कुनफाया कुनफाया। ये सब बच्चे, वैसे तो अभी इनकी उम्र क्या होगी, 25-26 साल, लेकिन दे आर सो मच कनेक्टेड, इतने कनेक्टेड है एक एक सत्संगों के साथ। USA में रहने के बावजूद तुम्हारे बच्चे यहाँ रहकर कनेक्टेड नहीं है, जहाँ तुम सामने उनके सतत हो, लेकिन ये बच्चे अकेले रहकर भी इतने कनेक्टेड है। आई थिंक ऑल द सत्संग्स आर डन, 72 भी देखकर आए होंगे, मुझे पता भी नहीं था तुम आने वाले आज। नाइस। तो तुम्हारे सपने में अंकित तुम्हारा क्रिकेट स्ट्रीट आए, तुम भी वहीं कहीं रहते हो, कैलिफोर्निया में, सिएटल? हाँ, अच्छा, सिएटल से आए हो। जो कुछ भी तुम्हारे स्वप्न में आ रहा है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे स्वप्न में आ रही है, तुम, मैं कभी आती हूँ तुम्हारे सपनों? डरावना सपना होता है? नहीं, मैं आती हूँ सपने में, कोई टेबल आता है, कोई पेन आता है, क्या हो रहा है? योर ओन कॉन्शियसनेस इज गेटिंग मैनिफेस्टेड इनटू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तुम्हारी अपनी ही चेतना वो क्रिकेट स्ट्रीट बन जाती है। तुम्हें नरेंद्र मोदी आया सपने में, तुम्हारी अपनी ही चेतना नरेंद्र मोदी बन गई, हाँ कि नहीं? जो कुछ भी तुम सपने में देखते हो, वास्तविकता में कुछ भी भीतर नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब तुम देखते हो तब तुम्हारा निश्चय क्या है, वो सब कुछ एक्चुअल है। तुम सपने को सपना नहीं मानते, कह रहे ये तो सपने का नरेंद्र मोदी है, ये तो सपने के मेन प्रभु है, वहां पर भी हाथ जुड़ जाता होगा, चाहे सपने में भी आए तो भी हाथ जुड़ेगा, क्योंकि उसको तुम उस समय की तुम्हारी एग्जिस्टिंग रियलिटी मानते हो। यस और नो? सपने में शेर आ जाए तो तुम ये कहोगे तो सपने का शेर है, इससे कौन डरेगा? तुम सपने में भी भागना शुरू कर देते हो, बिकॉज फॉर दैट मोमेंट दैट इज योर एग्जिस्टिंग रियलिटी। तो यहां पर हम ड्रीमर स्टेट किसको देंगे? कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसको दे? 3 को हम ड्रीमर स्टेट देंगे। और इस ड्रीमर स्टेट के अंदर तुम्हारे भीतर एक बोध क्या होता है? आई एम एवरीथिंग, इजंट इट? आई एम एवरीथिंग। थिंग में पर्सन भी आ गए, पीपल भी आ गया, क्रिकेट स्ट्रीट भी आ गई, पाली का बाजार भी आ गया, तुम्हारा कमला नगर भी आ गया, सब कुछ आ गया।
तुम जो जो अपने स्वप्न में देख रहे हो वो सबका निर्माण कैसे हो रहा है, तुम्हारी अपनी ही चेतना के अलग 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 मैनिफेस्टेशंस है, और उसमें तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारी चेतना आधी हो जाती है। जब तुम सुबह उठते हो अगेन यू आर द सेम पर्सन, वापस उठ के लग जाते हो, लेकिन यू हैव नेवर थॉट डीपली अबाउट दिस ड्रीम स्टेट। योगियों ने इस ड्रीम स्टेट का भी बहुत उपयोग किया समझने के लिए ईश्वर के स्वरूप को, और उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को ऐसे ही समझा कि जैसे हमारी हमारी स्वप्न अवस्था में हम ही सब कुछ हो जाते हैं, इसी तरह ये एंटायर मैनिफेस्टेशन राइट नाउ इट इज़ कॉल्ड द ड्रीम ऑफ गॉड। इसीलिए कहा जाता है, तुम पढ़ोगे पश्चिम की किताबें उसमें लिखा जाएगा गॉड इज ड्रीमिंग। व्हाट इज द वर्ड, व्हाट इज द वर्ल्ड, व्हाट इज दिस एंटायर वर्ल्ड, WORLD वाला ये संसार क्या है, तो उन्हें आंसर देना है तो कहेंगे गॉड इज ड्रीमिंग। ये पूरा गॉड की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है जो इस तरह से बाहर आ रही है, और इसके अंदर तुम्हें लगेगा आई एम एवरीथिंग। फिर तीसरी आई तुम्हारी अवस्था डीप स्लीप। इस डीप स्लीप के अंदर क्या होता है, तुम्हें अपना भी भान नहीं होता। उस टाइम तुम ना खाली इतने हो, तुम जैसे मैं दिव्या को देखती हूँ, तुम ना दिव्या हो ना तुम ईश्वर हो, यू बिकम नथिंग नथिंग। तो डीप स्लीप स्टेट इसमें कौन सी आई है, फोर्थ वाली डीप स्लीप, उसको सत्व से रिलेट मत करो। और इसके अंदर तुम्हारा बोध क्या होता है, आई एम नथिंग। अभी आई कौन है, तीनों में आ रहा है, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, आई एम नथिंग। अभी आई कौन, आई कौन, तुम क्या मानते हो, कॉन्शियसनेस तुम मुझे मत बोलो, तुम आई किसको मानते हो, तुम मैं, आई को तुम क्या मानोगे, मैं। यानी तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे दिमाग में डेटा क्या घुसा हुआ है, मैं कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ नहीं हूं। यहां से पूरी कंफ्यूजन शुरू होती है। नाउ दिस इज वंडरफुल, दिस इज अ गुड पजल, क्योंकि तुम्हारे अंदर डेटा क्या आ गया, जब तुम वेकर स्टेट में हो आई एम समथिंग, जब तुम ड्रीमर स्टेट के अंदर हो आई एम एवरीथिंग, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली डेटा तो तुम्हारे में यही जा रहा है आई एम एवरीथिंग, और जब तुम डीप स्लीप स्टेट के अंदर हो तब तुम्हें डेटा क्या जा रहा है, आई एम नथिंग। वंडरफुल, दिस इज अ कन्फ्यूजन, मैं कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं या मैं कुछ भी नहीं हूं। अब एक ही इंसान ये तीन बातें सोचना शुरू कर दे, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग, उसके स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होगी, क्या होगी तुम बताओ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन उसकी क्या होगी, अरे अटरली कंफ्यूज, पगला जाएगा वो इंसान, उसको क्लियरली नहीं पता। तो हमने क्या किया, हमने कहा तुम ये पीछे का छोड़ो, तुम खाली आगे का पकड़ के रखो, आई एम आई एम आई एम, तुम खाली आगे का रखो आई एम। अब ये आई एम, लेकिन हमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है, कभी हमें लगता है मैं कुछ हूं, कभी जब तुम विफलता में जाते हो अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कभी जब तुम बहुत कहीं किसी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें लगता है आई एम एवरीथिंग, मैं अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ हूं, मैं इस संस्था के लिए भी सब कुछ हूं, मैं एडमिन हेड हूं इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ हूं, मैं भक्ति टीम में हूं तो मैं भक्ति टीम का लीडर हूं, तुम्हें एवरीथिंग लगता है, आई एम समथिंग लगता है, आई एम नथिंग लगता है। ये कन्फ्यूजन होती क्यों है तुम्हें, वाई दिस कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट नंबर 5, जिसे कहा जाता है वील ऑफ माया, वेल यानी माया का पर्दा। देखो ये पर्दे की फॉर्म में ही बनाया गया, ओम इज अ सिंबल, और ये सिंबल पूरी की पूरी रचना के हर पहलू को समझा रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है, ये ओम एक छोटा सा सिंबल है और इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन ये 6 के 6 पार्ट हर सृष्टि के हर एंगल को समझा रहा है। कहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ, बिग बैंग, पॉइंट नंबर 1, ये आरंभ भी हुआ और मेक श्योर जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी होने वाला है, यानी ये सृष्टि चक्र इटर्नल नहीं है, ये यहाँ शुरू हुआ यहाँ पर जाकर आगे जाके खत्म होगा। बनी कैसे ये सृष्टि, सत्व रजस और तमस से, तो सत्व के लिए एक कर्व दे दिया, कौन सा कर्व, नंबर 4, रजस के लिए एक कर्व दे दिया जो सतत बाहर भाग रहा है, और तमस के लिए दे दिया, ये 3 दे दिए।
अच्छा अब ये इसकी जो वर्किंग है गॉड प्रिंसिपल की वर्किंग कैसे चल रही है, बोले मैक्रोकॉज्म के अंदर ये क्रिएशन मेंटेनेंस और डिसोल्यूशन ये तीन काम सतत कर रहा है। सतत अभी क्रिएशन किया कल मेंटेन करेगा और परसों डिसोल्व करेगा ऐसा नहीं, जिस समय से ये पेन का क्रिएशन हुआ उसी समय से मेंटेनेंस की एनर्जी भी काम कर रही है और उसी समय से डिसोल्यूशन की भी एनर्जी काम कर रही है। तुम जिस समय से पैदा हुए उसी समय से तुम डिसोल्यूशन की तरफ मृत्यु की तरफ जा रहे हो एट द सेम मोमेंट। तो ये तीनों एनर्जीज परफेक्ट बैलेंस के अंदर काम करती है, क्रिएटरी वाइब्रेशंस मेंटेनेंस वाइब्रेशंस और डिसोल्यूशन वाइब्रेशंस तीनों मैक्रोकॉज्म में से काम करती है। व्हाट अबाउट मी, मेरे अंदर क्या होता है? तो मेरे अंदर तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है वेकअप स्टेट, जिसमें हम दिन में 10, 12, 15, 16 घंटे जितने भी होते हैं हम जाग रहे हैं, तब हम अपने अस्तित्व का एक भान रखते हैं कि मैं हूँ कुछ। हमारे ब्रेन के अंदर ही दो मेजर विभाग है, एक रेप्टिलियन ब्रेन और दूसरा कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वन इज रेप्टिलियन ब्रेन एंड अदर इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, वो हमेशा अपने आप को किसी ना किसी सीमा में बांधना चाहता है, और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका फंक्शन क्या है, वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है। और तुम्हारे दिमाग में ये दोनों चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर कुछ है जो अपने आप को हमेशा लिमिटेड रखना चाहता है, कुछ है जो सीमाओं में रहना चाहता है, और तुम्हारे अंदर कुछ है जो हमेशा एक्सपैंड 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 करना चाहता है। वाई ये ह्यूमन ब्रेन इसलिए सबसे मिस्टीरियस बोला गया है, क्योंकि इसकी मिस्ट्री के अंदर दोनों ब्रह्मांड के दोनों कार्य एक्सपेंशन और लिमिटेशन एक साथ चल रहे हैं इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर। यहाँ रेप्टिलियन ब्रेन है और उसके नीचे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इन दोनों ब्रेन के विरोधी कार्य सतत चल रहे हैं। इंसान तकलीफ में कब जाता है, जब उसको ये पता नहीं होता कि किसको एक्सपैंड करना है और किसको हमें लिमिट्स में डालना है। स्वराज क्रिया जैसी योगिक टेक्टिक्स तुम्हारे रेप्टिलियन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन दोनों ब्रेन के पार्ट के अंदर अपना कार्य करती है, कितना विस्तार करना है उसकी भी समझ तुम्हारे भीतर आ जाती है और किसको संक्षिप्त करना है ये समझ भी तुम्हारे भीतर आती है। सो हेयर द योगिक टेक्निक्स प्ले देयर रोल, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं हमेशा रहेगी, लेकिन कितना एक्सपैंड करना है, कितना समथिंग को एक्सपैंड करना है और कितना नथिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का बैलेंस तुम्हारे ब्रेन के अंदर है। वो जो हेडक्वार्टर है दैट इज ब्रेन, और उस ब्रेन को किस तरह से बैलेंस किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, उसका एक संतुलन बना जाए, ये कोई ना कोई योगिक टेक्निक के अंदर होता है। ये तीनों के अंदर हम उलझते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ माया। माया का यहाँ पर पर्दा है, जो इस माया के पर्दे से ऊपर जाता है एब्सोल्यूट वननेस। ये एब्सोल्यूट वननेस, ये जिसको तुम लोग गाते हो सिखिज्म में एक ओमकार सतनाम, ये आ गया इसके अंदर। जिसको तुम गाते हो ओमकारम बिंदु संयुक्तम, ओमकार का जो बिंदु है उसके साथ जो संयुक्त हो गया है, एक हो गया है। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ज्ञानी की परिभाषा है, ज्ञानी कौन है, जो ओमकार के अंदर इस बिंदु से संयुक्त हो चुका है, संयुक्त यानी कनेक्ट हो चुका है। अद्भुत श्लोक है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। जो योगी है, योगी पुरुष है, वो सतत उसके ध्यान में है। यहां आ गए, यहां का जो अनुभव है वो एग्जैक्टली ईश्वर का अनुभव है। एग्जैक्टली जो ये डॉट का अनुभव है वो एग्जैक्टली ईश्वर का अनुभव है। ये डॉट जो है, डॉट मतलब कंप्लीट वननेस, एक डॉट। तुम देखोगे तो ये तीनों जो है ना, ये सर्कल के एक एक कर्व्स है, दीज ऑल आर कर्व्स, लेकिन ये क्या है, दिस इज अ कंप्लीट थिंग। यानी ये तीनों में तुम चाहे रजस में रहो, चाहे तमस में रहो, चाहे तुम सत्व में रहो, लेकिन तुम रहोगे किस में, कर्व में। एंड कर्व इज नॉट अ सर्कल। सर्कल के निकटतम कौन है तुम बताओ, माया, उसके बाद सत्व। इसीलिए कहा गया है कि सत्व पर आओगे तो वहां से छलांग लगेगी ऊपर जाने के लिए। सत्व इज इंपॉर्टेंट।
सत्व में तुम आओगे तो वहां से तुम्हारी छलांग लगेगी जो तुम्हें ऊपर उस एब्सोल्यूट वननेस के स्टेट के अंदर ले जाएगा। जब भी व्यक्ति अपने निर्विकल्प समाधि में है, जब वो उस अनंत ऐश्वर्य के अंदर है, तो वो एग्जैक्टली वही फील कर रहा है जो ये पूरे ब्रह्मांड का नेचर है। अब इसको इनफाइनाइट भी बोलेंगे कृष्ण के एंगल से, इसको शून्य बोलेंगे बुद्ध के एंगल से। सेम बात कर रहे हैं, दोनों सेम बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहेंगे वो अनंत है, उस अनुभव के अंदर अनंतता है, और बुद्ध कहेंगे उस अनुभव के अंदर शून्यता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? व्हेन यू आर इनटू दिस, तब तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वो पूरे क्रिएशन का जो गॉड है, क्रिएशन का गॉड क्या, जो गॉड है उसका अनुभव तुम इस समय कर पा रहे हो। देयर इज नो वे यू कैन गो आउटसाइड दिस, तुम बिग बैंग के बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी लिमिट्स, तुम्हारी मर्यादा यहाँ तक की ही है, यहाँ पर ही तक ही तुम जा सकते हो। और जब तुम यहाँ जाओगे फिर वापस तुम्हारा मन करेगा, जैसे बुद्ध को हुआ, वैसे तो उन्होंने 49 डेज की समाधि ले ली, लेकिन 49 डेज के बाद उन्हें बोलने का मन किया कि अब मैं जाके अपने लोगों को बताऊं कि मैंने क्या पाया। अब जैसे ही वो बताने आता है, कैसे बताएगा? मुंह से बताएगा, आंखों से बताएगा। तो जैसे वो बताने आता है वो इस माया के पर्दे के नीचे आ जाता है वापस। और इसीलिए इसे ज्ञानी की करुणा कहा जाता है कि वो जिस अनंत ऐश्वर्य में बैठे हैं वहां से वापस तुम्हारे लिए नीचे आते हैं। दे कम डाउन, नीड्स अप्लॉड। 49 डेज एब्सोल्यूट समाधि बुद्ध की। कहीं कहीं पे ऐसी भी बात आती है कि आके देवों ने उन्हें विनती की, रिक्वेस्ट की कि बुद्ध कुछ तो बोलो। ऑल्दो बुद्ध ने उन्हें बहुत समझाया कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जो भी मैं कहूँगा वो वैसा रिसीव किया ही नहीं जाएगा, मैं जो कुछ भी बोलूँगा, बुद्ध ने कहा, उसे वैसा समझा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता? क्योंकि बोलने के लिए उन्हें वापस नीचे आना पड़ेगा, उस इन माध्यमों से, कर्व्स के माध्यम से सर्कल समझाना है, ऐसा कहूँ, कर्व ऐसे ऐसे करके मुझे सर्कल समझाना है, तुम कभी समझ पाओगे? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें, तुम्हारे तमस और रजस में से निकाल कर तुम्हें सत्व की तरफ ला सकती हूँ, बस यही गुरु का रोल है। बाकी कोई गुरु ईश्वर बनने की कोशिश ना करे कि मैं तुम्हें ईश्वर का अनुभव करा दूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें सत्व तक ले जा सकती हूँ, वहां से छलांग मारने का कार्य तुम्हारा स्वयं का होगा। गुड, लॉट ऑफ थिंग्स। ईश्वर कौन है, व्हाट इज साउथ एंड साउथ पोल, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सत्व, रजस और तमस से पूरा गुथा गया है, और कब गुथा गया? जब ये बिग बैंग हुआ। उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं था, नथिंग, या उससे पहले सब कुछ था, ऐसा कहो, जो कहना कहो। कृष्ण की भाषा कहेगी उससे पहले सब कुछ था, और बुद्ध की भाषा कहेगी उससे पहले कुछ नहीं था। ऑल्दो साइंस ने भी इसको प्रूव किया, एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, इसलिए साइंस बुद्ध की भाषा बोल रहा है। इसलिए बुद्ध तुम्हें बहुत साइंटिफिक लगेंगे, क्योंकि विज्ञान की भाषा और बुद्ध की भाषा बहुत बहुत समन्वय वाली आएगी, और बहुत मज़ा आएगा। जितना तुम साइंस से मन चुराते थे ना, उतना साइंस तुम्हें अगले 2 सालों में और करने को मिल जाएगा। व्हाट अ साइंटिफिक अप्रोच। लेकिन समर्पण के बलबूते पर आगे बढ़ना, बुद्ध समर्पण की बात नहीं करते, तो वो मैं ऐड करती जाऊंगी। ऐसा है ना, मम्मियाँ खाना बनाने में कुछ भूल जाती हैं तो ऊपर से लोग डालते हैं, ऑल्दो अब तो वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो बहुत प्यारी मम्मा होगी उन्हें पता होगा कि कुछ कमी रह गई है, तो लाना, बच्चे तक पहुँचो उससे पहले मैं डाल के उसका टेस्ट रिफाइन करके वापस दे दूँ। तो ऐसा रहेगा, बुद्ध कुछ बना कर देंगे जिसमें ओनली साइंस साइंस एंड साइंस है, लेकिन मैं उसके अंदर समर्पण डाल डाल के तुम्हें परोसूंगी। ओके, सो वी कम हियर। वन यानी पूरा बिग बैंग हुआ भी और ये खत्म भी होगा। ये क्यों बताया, पूरा सर्कल क्यों दिया? इसलिए ताकि तुम्हें यह निश्चय हो कि जिसका आरंभ है उसका अंत अवश्य है। तुम भी अपनी जिंदगी में इस निश्चय के बलबूते पर जियो कि जो कुछ भी आरंभ हुआ है, जो तकलीफ, जो संघर्ष, जो चुनौती या जो सत्संग, जो कुछ भी आरंभ हुआ है, इसे एटर्नल मत समझो। व्हाटएवर बिगिंस इट हैज एन एंड,
और जो कुछ भी बिगिन हुआ है उसके उसको बांधा किससे गया है, सत्व रजस और रजस और तमस से। मैक्रोकॉजम किस तरह ऑपरेट करता है, मैक्रोकॉजम ये विशाल ब्रह्मांड किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर सतत सर्जन संचालन और विसर्जन की घटना चल रही है। सर्जन यानी ब्रह्मा, संचालन यानी विष्णु और डिसोल्यूशन यानी महेश। तुम्हें पता है ना, तुम कहो तो ये नाम भी लिख दो। एवरीथिंग कम्स टू वन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जितना तुम बुध को समझने अब जाओगे आगे 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 चलकर, वैसे वैसे तुम्हारे साइंटिफिक फंडामेंट सारे क्लियर होने चाहिए। इसके अंदर कहीं तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि तो फिर ब्रह्मा कौन होगा, ब्रह्मा कौन है इसमें तुम बताओ, क्रिएशन कौन है, 2, 1, 3 क्या है, 2, 3, 4 में से ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु कौन है, विष्णु और महेश कौन है, 3, गॉट इट। यानी अब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां पर सतत ब्रह्मा विष्णु और महेश सतत अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा बोलो तो तुम समझ रहे हो। अब तुम ये तो नहीं सोच रहे ब्रह्मा नाम का एक आदमी काम कर रहा है, विष्णु नाम का एक आदमी काम कर रहा है, महेश नाम का आदमी, नहीं, हमें औरतों से कोई दुश्मनी नहीं है। यहां पर इट इज द क्रिएटरी फोर्स जिसको नाम दिया था ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड का जो इस पूरे ब्रह्मांड में सर्जन का काम करता है, वो एनर्जीज है ब्रह्मा की एनर्जीज, उसको नाम दिया है। ब्रह्मा इज नॉट अ पर्सन, ब्रह्मा खाली उस एनर्जी का नाम है। फिर विष्णु उस संचालन का कार्य करते हैं, यानी हर एक चीज को उसके उस अवस्था में टिकाए रखने का कार्य विष्णु की एनर्जी, विष्णु रूपी एनर्जीज का है, और हर एक चीज को दूसरे में रूपांतरण करने का कार्य महेश की एनर्जीज का है, दैट इज द एनर्जीज ऑफ डिसोल्यूशन। देन हाउ इट रिलेट्स ऑन मी, ये मेरे ऊपर ऐसे रिलेट होता है, ईश्वर मेरे अंदर कैसे वर्क कर रहा है। कभी मुझे वेकर स्टेट के अंदर ये एहसास दिलाता है कि आई एम समथिंग, ड्रीमर स्टेट के अंदर मुझे ये एहसास दिलाता है कि आई एम एवरीथिंग, और सुषुप्त अवस्था के अंदर जो डीप स्लीप स्टेट है उसके अंदर मुझे ये एहसास दिलाता है कि आई एम नथिंग। ये समथिंग एवरीथिंग और नथिंग का एहसास क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ माया, माया का जो पर्दा है उसके कारण हमें यह एहसास होता है कि आई एम समथिंग नथिंग एवरीथिंग। लेकिन जो इसके ऊपर चला जाता है उसको केवल आई एम का एहसास होता है, उसको इन तीनों का एहसास नहीं होता। दैट इज द स्टेट ऑफ वननेस। सो इन दिस सत्संग आई वेलकम फ्यू क्वेश्चंस। कोई प्रश्न इस पूरे कांड को समझने में, कोई प्रश्न तुम्हारा? यस, हाँ, लेडीज फर्स्ट। सबस्ट्रेटम आधारशिला, ये यही। अच्छा, प्रश्न तुम्हारे पर वापस जाता है, तुम कहो व्हाट इज द सबस्ट्रेटम। मी, आई, ईश्वर, व्हाट इज द सबस्ट्रेटम, आधारशिला, इस पूरे आयोजन की आधारशिला क्या है? एनर्जी है, इस एंगल से बताओ, यहाँ इसके हिसाब से, क्योंकि आपका प्रश्न यही है ना, इसमें सबस्ट्रेटम क्या है, आधारशिला कौन है? सत्व रजस तमस की अपेक्षा से आधारशिला है बिग बैंग, बिग बैंग की अपेक्षा से आधारशिला है परब्रह्म। आंसर्स विल वेरी, परब्रह्म। अब परब्रह्म कौन है, तुम कहोगे ये कौन सा पीस आ गया, अब ये पूरा परब्रह्म ही है, बाहर भी है। सी, उसी के मैनिफेस्टेड वर्जन को हमने बिग बैंग का नाम दिया, उसी के अनमैनिफेस्टेड वर्जन को हमने परब्रह्म का नाम दिया, और मैनिफेस्टेड वर्जन को, चलो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, बिग बैंग को हमने ब्रह्म का नाम दिया, ब्रह्म। और इस ब्रह्म में से जो आया वो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्म में से जो आया। तो सबस्ट्रेटम क्या हुआ, सत्व रजस की अपेक्षा से ब्रह्म, ब्रह्म इस टॉक के अंदर। और ब्रह्म का आधारशिला कौन है, तो परब्रह्म। परब्रह्म का आधारशिला कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो अपने में सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो अपने आधार पर ही खड़ा है। आधार देने की जरूरत कब पड़ेगी, जब दो हो, समझो इसे, जब दो होंगे तो दो एक दूसरे के आधार पर खड़े रहेंगे, लेकिन जहां एक ही है उसको आधार की जरूरत कहां है, वो सेल्फ एग्जिस्टेंट होता है। इसलिए परब्रह्म को कोई सबस्ट्रेटम की जरूरत नहीं है। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट वन अंकल। नो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वोरा प्रभु का प्रश्न है कि ये जो बिंदु, इसको कहेंगे,
कि इसको चंद्रबिंदु कहा? नहीं। क्या इसको हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कह सकते हैं? हाँ भी नहीं भी, लेकिन बड़ा नहीं और छोटा हाँ। टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड तो ये जगह है जहाँ से परब्रह्म शुरू होता है। दिस इज बेसिकली बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस। टाइम और स्पेस के पार समयातीत चले गए तुम और स्थानातीत। यहाँ कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप कहोगे तो ये सारा क्या है भाई? स्थान भी उस अपेक्षा से कहा जाता है जहाँ दो हो। वॉट इज अ स्पेस? बिटवीन टू डॉट्स जो भी जगह आती है उसी को हम स्पेस डिफाइन करते हैं। स्पेस की डेफिनेशन क्या है? दो डॉट्स के बीच में जितनी जगह है दैट इज स्पेस। लेकिन जहाँ दो डॉट्स ही नहीं है तो वहाँ स्पेस बियॉन्ड स्पेस चले गए, स्पेस नहीं है ऐसा माना जाता है। लेकिन हाँ, चूंकि इस बिंदु के समय में जो अनुभव है वो एग्जैक्टली परब्रह्म जैसा है, इसलिए उतने समय के लिए वो व्यक्ति, उतने समय के लिए वो समयातीत स्थानातीत, बियॉन्ड स्पेस एंड बियॉन्ड टाइम एंड इवन बियॉन्ड कॉजेशन, तीनों कार्य कार्य सिद्धांत के भी पार चला गया। टाइम स्पेस एंड कॉजेशन तीनों के पार चला जाता है। और जितनी देर के लिए वो पार जाता है उतनी देर के अंदर जितने भी यहाँ कर्म पड़े होते हैं उन सबकी एब्सोल्यूट सफाई हो जाती है। और सफाई का काम कौन करता है तुम्हें मालूम है? माया। माया इज अ ब्रूम स्टिकर, वो यहाँ पर जेनिटर का काम करती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। माया तुम्हें उलझाने का काम करेगी, लेकिन जो आत्मज्ञान के अंदर मस्त है उसके लिए माया सफाई करने का काम करती है। वाओ, लवली। यस, ये क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। ये रिटर्न प्रोग्राम परब्रह्म तक की जाने का है तो शुरू क्या हुआ? आप कभी बच्चे थे? बच्चे थे तो खेलते थे सांप सीढ़ी? आपके जमाने में तो वही होता होगा, लूडो और सांप सीढ़ी खेलते थे। फिर खेल का डब्बा बंद करके कभी हारते थे कभी जीतते थे। आपने कभी ये प्रश्न किया कि खेल खेलते ही क्यों हैं हम? आपने प्रश्न किया क्या? नहीं किया था तब कि खेल खेलते क्यों है? जब आप बच्चे थे तब की बात बताओ, तब तो यू आर इन्जॉइंग इट। और वैसे ये प्रश्न ना जब कोई खेल इन्जॉय कर रहा होता है ना तब कभी नहीं पूछता कि खेल बनाया किसने। जो हार रहा होता है ना वही पूछता है ये खेल बनाया किसने। व्यर्थ है, इसलिए हिंदुओं ने इसे नाम दे दिया लीला। इट्स अ लीला। सी इट्स अ हैपनिंग विच इज़ वेरी नेचुरल। जब एनर्जीज अपने प्ले में होती हैं तो उस तरह से एक क्रिएशन हो जाता है। बट क्रिएशन हो जाने के बाद इट इज़ नॉट रैंडम। क्रिएशन इज रैंडम। आप जैसे जैसे इस सूत्र में आगे बढ़ेंगे, ईशावास्य उपनिषद यदि आपके पास हो तो उसके अंदर इसका बहुत खूबसूरत समन्वय किया गया है। लीला बनी तब तो वो लीला थी, आउट ऑफ जस्ट फन ये हो गया, रैंडमनेस। वहाँ पर हम फन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि कोई इंसान नहीं है, वहाँ पर एनर्जीज है, इसलिए हम वर्ड्स यूज़ करेंगे रैंडमनेस। बस बिल्कुल रैंडमनेस का हिंदी वर्ड क्या होता है मुझे मालूम नहीं, क्या? अराजकता। यस, अराजकता। एक बस वो एनर्जीज के प्ले के अंदर कभी कुछ ऐसा हुआ, जैसे आप पानी कभी बॉईल करने रखते हैं, उस पानी के अंदर बुदबुदे उठते हैं, अचानक कोई बुदबुदा निकलकर बाहर आ जाता है। कैसे हुआ? सबको इक्वल हीट सप्लाई हो रही है बट देयर इज सम रैंडमनेस इन द नेचर। इसलिए एक बुदबुदा निकलकर बाहर आ जाता है। तुम लोग किचन के अंदर कुछ वो भिगोते हो ना चने वने, तो तुमने कभी फील किया होगा एक ही पैकेट में से चने निकलते हैं लेकिन कोई चना भीगता ही नहीं है। तुमने पॉपकॉर्न का वो देखा होगा, पहले के जो पॉपकॉर्न आते थे उसके अंदर वो सारा, अब तो माइक्रोवेव वाले आ गए हैं लेकिन वो एक पूरा उसका तामझाम बना होता है, उसके अंदर पूरा पॉपकॉर्न, कोई पॉपकॉर्न उखड़ के, सबको इक्वल हीट एनर्जी सबको सप्लाई हो रही है लेकिन फिर भी कोई पॉपकॉर्न फूट के बाहर आता है। इट्स अ स्टेट ऑफ रैंडमनेस, इट इज अलाउड। इस रैंडमनेस के अंदर ये क्रिएशन आरंभ हो जाता है, बट ये आरंभ हो जाता है उसके बाद इट इज नॉट रैंडम। उसके बाद क्योंकि जहां ये आरंभ हुआ अब द्वैत जगत के सारे नियम इस पर लागू पड़ेंगे, इसलिए सत्व रजस तमस सब कुछ आया, मैक्रोकॉज्म माइक्रोकॉज्म एवरीथिंग कम्स इनटू एक्जिस्टेंस। इसलिए खेल बन गया। अब ये पूछो इसको जीते कैसे? अब ये मत पूछो ये बनाया किसने, क्या फायदा होगा?
बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया। बुद्ध से पूछा गया, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बुद्ध आएंगे ऐसे ऐसे, बुद्ध से पूछा गया कि बताओ ये सृष्टि किसने बताई बनाई बताओ ये ईश्वर कौन है। और बुद्ध का तो नास्तिकवादी दर्शन है, ईश्वर की बात ही नहीं उठाएंगे, भगवान की भी बात नहीं उठाएंगे। बुद्ध ने यही कहा कि तुम बीमार हो, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें इस तकलीफ से पार होना है, इस तकलीफ में से बाहर निकलना है। अब कोई वैद्य तुम्हारी दवाई करने आता है, तुम ये पूछो इस वैद्य को किसने बनाया, ये किस गांव से आया, इसने दवाई कब बनाई। अरे ये सारे प्रश्न तुम पूछोगे उस वैद्य को किसने बनाया, उसके बाप को किसने बनाया, तुम इन प्रश्नों में उलझोगे तो भाई तुम्हें ठीक नहीं होना, ये निश्चय हो जाता है। जब कोई वैद्य आया है तो दवाई लो, ठीक हो, बाहर निकलो। सो बुद्धिज्म रिजेक्ट्स ऑल दिस थिंग्स। और बुद्धिज्म को क्यों रिजेक्ट करना पड़ा वो भी मैं बताऊंगी। पहले सत्संग के अंदर तो बुद्धिज्म आया क्यों, जब हिंदुइज्म ऑलरेडी प्रिवेलिंग था तो एक इतना बड़ा नया धर्म आया कैसे। तो मैं पहले सत्संग में क्लियर करूंगी व्हाट वाज द नीड ऑफ बुद्धिज्म। बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन मेटाफिजिक्स बिल्कुल उड़ा दी। जितना भी दार्शनिक दृष्टिकोण है सारा का सारा बुद्धिज्म ने, या बुद्धिज्म ने जो दिया है वो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा शुरू में शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैं खाली धम्मपद क्या कह रहा है उसको फोकस करके बात करूंगी। सो नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, ये किसने बनाया, किसने बनाया का आंसर अब तुमने पूछ ही लिया हो तो ये इट इज़ आउट ऑफ इट्स रैंडमनेस। दैट इज़ द नेचर ऑफ परब्रह्म, वो रैंडम है, जैसे पॉपकॉर्न, जैसे चना, जैसे पानी। बनाने के बाद ऑल द रूल्स कम, क्योंकि जिससे बनी है ना दैट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट फोर्स। उसको पता है कि वंस इट इज़ क्रिएटेड, अब इस क्रिएशन को सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरे इतने बिलियन ईयर्स लगेंगे, इसके लिए इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड, इसके लिए कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई लॉज इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो सारे सिद्धांत उसके बाद वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऑल दो गुड क्वेश्चन, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं मुझसे कि किसने बनाया, इट्स अ रैंडमनेस। यस, एनी अदर क्वेश्चन? एक मिनट प्रभु, अभी मैं आ रही हूँ, अभी तो ये ओम चल रहा है, अभी तत् आएगा फिर सत आएगा, अभी तो बाकी है सत्संग। हाँ, परब्रह्म का, यस यू डोंट नो। हाँ तो बॉडी तो था, बिल्कुल है, दैट्स द ग्लोरी ऑफ दिस एक्सपीरियंस। बॉडी भी है, देह छता वर्ते जेनी दशा वर्ते देहातीत, क्या कह रहे हैं, देह है लेकिन वो देहातीत दशा में है, ऐसे परब्रह्म के अनुभव में है। और ऐसा सबको हुआ, जितने भी ज्ञान के उस दशा में पहुँचे उनको वहाँ पर यही अनुभव हुआ, दे आर बियॉन्ड टाइम बियॉन्ड स्पेस। वैसे उसको आप मंथ आवर्स ईयर्स के अंदर नहीं कैलकुलेट कर सकते। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम। शरीर है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आंख बंद करके खोलेंगे आपको लगेगा 5 मिनट हुए, और उस 5 मिनट में आपने जो अनुभव कर लिया वो यू आर बियॉन्ड टाइम। आपने देखा नहीं कृष्ण में बार बार चुटकी बजाता है वो राधा कृष्ण, देखा ना वो चुटकी जो बजाता है वो क्या कर रहा है, वो समय को रोक रहा है, समय को रोक कर सारी क्रिएशंस चल रही है उनकी, जो कुछ कार्य उन्होंने कराना है। सो इट इज़ पॉसिबल। आपको सी ये हमारी माइंड के अंदर आप परसीव ही नहीं कर पाएंगे इस बात को कि कैसे हो सकता है कोई आदमी 10 मिनट तक में बैठा दिख रहा है और वो 10 मिनट तक समय अतीत हो गया। समय अतीत हो सकता है क्योंकि चेतना का उस परब्रह्म से संबंध है, उस समय में चेतना का संबंध अपनी परब्रह्म के साथ जुड़ जाता है, जो अभी तक माया के नीचे था, जो सत्व रजस तमस से जुड़ा था, अचानक उन कुछ क्षणों के लिए चेतना, ये इसका बालक तो यही है ना एक्चुअल, ये अडॉप्टेड है सारे, ये सारे अडॉप्टेड बच्चे हैं, लेकिन असली बच्चा तो यही है, कॉन्शियसनेस, वननेस। तो वननेस के पास जब तुम आते हो तो वो परब्रह्म खुद तुम्हें अपने में सक कर लेते हैं, एंड दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एक्सपीरियंस, इसलिए उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। चल रहा है, मैंने कहा ना उस समय माया झाड़ू मारने का काम करती है, पूरा निर्जरा का काम उन क्षणों में हो जाता है। आपने कहा जबकि ले ली बीच में, बिकॉज मैंने बोला था ना, सुना
रिलेट नहीं कर पाए, रिलेट करो उस समय में 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 5 घंटे जो भी है। बुद्ध की समाधि कुछ प्रहर की भी नहीं थी। जब मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ बुद्ध कितनी देर समाधि में, तो 49 डेज समाधि में नहीं थे बुद्ध। केवल वो सुबह का थोड़ा सा समय होता है, एक प्रहर का भी आधे से आधा समय, उतने समय तक समाधि में थे, लेकिन उसमें परब्रह्म के साथ, क्योंकि अपना रियल पापा मिल गया उसको, रियल माँ मिल गई उसको, उसके साथ एकमेक हो गया और वो समय के पार चला गया। नहीं, क्यों थमा रहे हो, निद्रा करने दो ना, थम जाएगा फिर तो निद्रा भी नहीं होगी। लेट माया सर्व यू एट दैट टाइम। जिस माया ने तुम्हें घुमाया इतना, तो ज्ञानी अब उससे भी द्वेष नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है ये माया ही साफ करने वाली है निर्विकल पल में। कुछ नहीं, माया सफाई का काम करते। थम जाता है शरीर डेफिनेटली, तुम हाथ पैर लंबे नहीं कर सकते, लेकिन एक घटना होनी होती है ना, और जिसको ये लिंक पता चल गया हाउ दिस हैपन्स, वैसे तो उसमें भी रैंडमनेस है, देर इज नो वन परफेक्ट लिंक, लेकिन स्टिल सत्व तक जाने का, सत्व के इस पीक तक जाने के कोई ना कोई ढंग है जो हम स्वराज क्रिया के माध्यम से भी महसूस कर सकते हैं। फिर जो छलांग लगती है, ये अगेन इट इज अ सेट ऑफ रैंडमनेस। देखो, रैंडमनेस में से पूरा एक ब्यूटीफुल क्रिएशन आया, लेकिन इस ब्यूटीफुल क्रिएशन से वापस रैंडमनेस की तरफ जाना है तो लास्ट स्टेप इज अगेन रैंडमनेस। इट इज वेरी रैंडम। वेरी नाइस क्वेश्चन। एनी वन एल्स? फिर मैं आगे बढ़ू। तत् क्या है, सत क्या है? हाँ, एक मिनट। नहीं, पूरा नहीं, नहीं, वाया माया कहाँ आएगी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, सीधा जाओ ना। माया तुम्हारे को एज अ प्लेन नहीं सर्व करेगी, नो, इट्स नॉट एन एरोप्लेन, इट्स नॉट अ बफर पॉइंट, नो, तुम्हें माया से यहाँ पर कोई रास्ता है, तुम सीधे चले जाओगे, लेकिन उसके लिए सत्व उस बैलेंस में आना जरूरी है। और सत्व के ऊपर कितनी चर्चा की कृष्ण ने, अभी हम पिछले 5-6 सत्संग से दैवी संपत्ति, असुर संपत्ति, सत्व, रजस, तमस, कितनी चर्चा कर रहे हैं। सो ट्राई टू फोकस योर लाइफ नियर सत्व। और बुद्धिज्म के अंदर यही आएगा धम्म पद में, धम्म पद में तुम सत्विक सात्विक कैसे बनो ना, सारी बात इसी की है। सो वंस यू आर ऑन द पीक ऑफ सत्व, पीक ऑफ सत्व यानी पीक ऑफ बैलेंस, देन इज द टाइम टू जंप। किसी को लॉन्ग जंप मारनी हो, ऐसे लड़खड़ाता लड़खड़ाता मार लेगा, वो भी थोड़ी देर तक भागता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है, एंड देन टेक्स अ लॉन्ग जंप। इसी तरह यहां पर भी एक लॉन्ग जंप लेना है, सत्व की पीक आएगी तब वो देहाती दशा में प्रवेश होता है। सदगुरु माया के पार नहीं है, सदगुरु का जो अनुभव है वो जितने क्षणों तक के लिए होता है, अभी तो आई एम बिलो दिस ओनली, लेकिन जब मैं अपनी उस समाधि में पहुंच गई, जिन क्षणों में, वो कभी यहां पर भी होता है, कभी घर पर होता है, कहीं पर भी हो सकता है वो, उन क्षणों के लिए आई एम अबव दिस। वैसे नहीं, सदा मैं यही हूं, ठीक है, सत्व के बैलेंस में घूम रही हूं, लेकिन फिर भी हूं मैं यही। कभी हो सकता है मैं भी तमस में चली जाऊं, हो सकता है मैं भी रजस में, और हो सकता है क्या, अगले साल का शेड्यूल देखती हूँ तो मुझे लग रहा है तमस ही मुझ पर भारी होने वाला है, ये रजस भाग ही रही हूँ, जहाँ से पूरा जनवरी से दिसंबर तक का हमने शेड्यूल देखा, वी आर ऑन द मूव, एक सूटकेस तो हमारा ऐसा लगता है पैक करके रखना पड़ेगा। तो रजस भी एक्टिव हो सकता है, बट सो वॉट, हमें पूरे स्वरूप का पता है, इसलिए जहाँ आँख बंद करी वी कैन इमीजिएटली यहाँ जा सकते हैं। हम रजस से भी जा सकते हैं, हम घोर तमस में बैठे हों तब भी जा सकते हैं, ये वो प्रिविलेज कस्टमर्स होते हैं ना, वी आर द प्रिविलेज वंस, हम कहीं से भी जा सकते हैं। अब ये बातें ना तुम बाहर जाके मत कहना, कोई तुम्हारी इस भावधारा को समझ नहीं पाएगा कि ऐसा प्रेफर्ड कस्टमर ये मोक्ष मार्ग में, तो ये तो चीटिंग हो गई, ये सब अभी थोड़ी देर के लिए खाली। हाँ बोलो, क्या प्रश्न, क्या? हाँ, इसीलिए तो मीरा ने गाया ना कि सूख गया, ये है ही नहीं उसके लिए। माया की लेयर है पूरे संसार में, उनके कर्मों पे भी माया का पर्दा है, कर्म भी अटपटे उदय में आ जाएंगे, लेकिन उनके निश्चय में, उनकी मान्यता में, उनकी परसेप्शन में, उनके बिलीफ सिस्टम पर से माया उठ गई, इतना ही हो सकता है, क्योंकि माया का पर्दा मेरे कर्मों पर तो है ना,
मेरे कर्मों पे है, कभी मेरी सोच पर भी जा सकता है माया का पर्दा, लेकिन जो अंदर दर्शन मोह जिसे कहते हैं, जो निर्णय है, निश्चय है, उसके अंदर अब ये हावी हो जाता है। तुमने एक बार खीर खाई, मजेदार खीर, खीर छोड़ो अभी, क्या तुमने सैन फ्रांसिस्को का वो बे एरिया, बादल, पहाड़ और समुद्र, सब कुछ एक साथ उसको एक बार अनुभव किया, 2 घंटे 4 घंटे बढ़िया छोला पूरी खिलाया हमें और वहाँ पर हमने पूरा एक्सपीरियंस किया उस एरिया को, फिर वहाँ से हम वापस आएंगे। वापस आ गए तो इसका मतलब क्या है? वापस आए इसका मतलब क्या है? वो अनुभव चला जाएगा क्या? अनुभव रहेगा, लेकिन वापस आए मतलब हम वापस यूएस के छोड़कर हम इधर आ गए, हम ये छोड़कर हमारा इमिग्रेशन वापस इधर हो गया, लेकिन इधर आए इसका मतलब ये है कि ये है, इसका मतलब ही है कि ये है, क्योंकि आप ओम में से 5वां नंबर का हटा नहीं सकते, इट हैज टू को एग्जिस्ट। ये 6 के 6 चीजें को एग्जिस्ट करेगी, इसमें से आप नीचे आए ना, इसका मतलब ही है कि 5वां नंबर अपने आप अपनी लेयर में आ गया, वो आएगा। इसलिए कहा जाता है वो सूख गया, लेकिन फिर तो हमें मीरा को प्रश्न करना चाहिए कि मीरा फिर बहु समुद्र बोला क्यों? तो क्वेश्चन है, जब वो सूख ही गया है तो बोला क्यों तूने बहु समुद्र सूख गया? क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं चाहे तमस में हूँ, रजस में हूँ, सत्व में, मीरा कहती है मैं कभी भी जा सकती हूँ, आई हैव अ स्पेशल लिंक टुवर्ड्स दैट एक्सपीरियंस। इसलिए गुड क्वेश्चन। हाँ ठीक है, माया का जो पानी था, माया का जो डूबने का हमारा भय था, भय संग नहीं चले गया, अभी राधा का भी भय हटा रहे हैं ना, वो भय ही हट गया। अब मैं पीछे हूँ थोड़ा, मैं नवंबर के देख रही हूँ अभी। यस क्वेश्चंस, 6 नंबर, ओके, एब्सोल्यूट वननेस, कुछ नहीं होता उस अनुभव में, कुछ, यू आर बियॉन्ड दैट, कम अगेन। हाँ, बिग बैंग के अंदर है, लेकिन वो कुछ समय जो वननेस का अनुभव का समय है, बस खाली वो क्षण, उतने ही क्षण, इनको मैं मिनट्स में भी नहीं डाल सकती, ये इतने छोटे क्षण होते हैं, उस समय के लिए यू कैन पीप इन, पीप थ्रू द व्हील, तुम यहाँ से बाहर देख सकते हो कि ये है, ये अनुभव है, है वो बिग बैंग में, लेकिन फिर भी ही इज बियॉन्ड द लॉज ऑफ बिग बैंग, इतने समय के लिए बस, अद्भुत होती है वो दशा। इसलिए तो इतना गाया इस दशा को जनक ने, अपनी पूरी अष्टावक्र गीता के अंदर उस दशा का ही तो गान किया है, क्योंकि वो एक ऐसा मधुर बिंदु है, वो ऐसा सुंदर बिंदु है, वो ऐसा बिना आप समझा नहीं सकते ऐसा बिंदु है कि जिसके अंदर पूरा सिंधु समाया हुआ है, ये पूरा सागर उसमें समाया है, गागर में सागर सुना है कभी, गागर में सागर, तो ये इस बिंदु के अंदर पूरा परब्रह्म समाया है, और जहां पूरा परब्रह्म समा जाएगा वहां सत्व रजस तमस की कितनी औकात, अगर वो होंगे भी, मान लो तुम्हारी बात से चलूं मैं कि बिग बैंग में चल रहे हैं वो, इसलिए होना चाहिए, लेकिन वो होगा तो भी वो हावी नहीं हो सकता, इट इज नेग्लिजेबल। अगर वो कंकड़ पत्थर, इन तीनों को कंकड़ पत्थर माने, लेकिन जहां उस मटके के अंदर पूरा सागर आ गया, कंकड़ पत्थर की क्या औकात? तो ठीक है, आई गो बाय योर रीजनिंग कि चूंकि ये बिग बैंग में है इसलिए सत्व रजस तमस तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी कोई भी औकात नहीं है, उसको वो उस परम अनुभव में कोई बैरियर नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि बैरियर क्रिएट करने का काम जो था उसका वो यहीं तक था, यहां पर अब वो क्लीनिंग का काम करती है माया। नाइस क्वेश्चंस, नाइस थॉट्स, बैठे बैठे इतने विचार आ रहे हैं, बोलो। यस, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो सब सत्व की उसके अंदर है, सत्व के अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो दिस थिंग। जब मैं अभी स्वराज क्रिया लीडर्स से भी मिली थी, मेरी उनसे कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो मुझे पता चला लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट स्टेट, बस तुम डिफरेंट स्टेट ही कह पाओगे, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिया, क्रिया करते करते तुम उस लेवल तक अब पहुँच रहे हो कि तुम्हें ऐसे अलग अलग अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, वननेस का कहो, शून्य का कहो, शुद्धि का कहो। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड प्योरिटी? मैंने की है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बार मैं अपने आप को स्वच्छ फील करती हूँ, नहाई भी नहीं होंगी और बस बैठी होंगी, मुझे लगता है आई एम सो प्योर, आई फील जैसे तुम नहा कर निकलो और तुम स्वच्छता की फीलिंग फील करते हो ना, ये फीलिंग में मुझे कभी भी आ सकती है, एनी टाइम एनी वेयर
आई फील दैट स्वच्छता, आई डोंट स्पीक, आई फील दैट स्वच्छता. ये अनुभव जो होते हैं ना, ये बिकॉज ऑफ द पीक ऑफ सत्व, पीक ऑफ सत्व है. ये मेरे आत्मा अनुभूति के नहीं है, वो तो हो गया निकल लिया, बात खत्म हो गई. जब होना होगा तब दोबारा होता रहता है. लेकिन सत्व की पीक पर जब इंसान होता है तो उसे अलग 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 अनुभव हो सकते हैं. और स्वराज क्रिया इसके लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल है. डोंट टेक इट वेरी लूजली. स्वराज क्रिया अब अपने नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम लोग हर खंड में इसको स्ट्रांगली करते जाओ. ये तुम्हारे फंडामेंटल को बड़ा ही स्ट्रेंथन कर रहा है. तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रेंथन होगी तभी तुम ऊपर जाओगे, तो सत्व के उस बैलेंस पर तुम खड़े रह पाओगे. एक पैर से खड़े रहने जैसा है सत्व के ऊपर. कितना बैलेंस चाहिए? बहुत. और इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग यू, क्योंकि जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, वो अनुभव आ भी रहा होगा ना, तुम्हारी अंतस चेतना को पता भी चल रहा होगा कि यस आई एम अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग, और वो चला जाएगा बिकॉज यू आर नॉट ऑन द पीक ऑफ सत्व. तुम सत्व के यहाँ हो ऐसी किसी जगह पे हो, सो यू आर नॉट ऑन द पीक. ओके, क्वेश्चन? यस. प्रभु, क्योंकि जो इनका प्रश्न है, डिसोल्यूशन को तमस से क्यों रिलेट किया जाए? पहली बात ये समझ लो, इन सब को रिलेट मत करो, क्योंकि फिर तो अगर आप रिलेट करने बैठोगे तो 1, 2, 3, 4 जैसे चल रहा है, सब कुछ ऐसा ही चलना चाहिए. नहीं, इसके ये सिंबल्स हैं. जब उन्हें सत्व रजस तमस समझाना था योगियों को, तब भी उन्होंने ओम बनाया. जब उन्हें पूरा ये बिग बैंग समझाना था, तब भी उन्होंने ओम बना के मैक्रोकॉज्म का कार्य समझा दिया. जब उन्हें तुम्हारी अवस्था समझानी थी कि तुम क्या हो और तुम कैसे ऊपर जा सकते हो, तब भी उन्होंने ओम बनाया. बनाया उन्होंने ओम. पानी चाहे अमेरिका का हो, पानी चाहे इंडिया का हो, लिखेंगे H2O ही कि US H2O, इंडियन H2O में तो बहुत कुछ होता भी है, लेकिन फिर भी जब तुम लिखोगे तो H2O ही लिखोगे ना. इसलिए ये ओम उन्होंने एक पूरे के पूरे इसको समझाने के लिए कि मेरी पराशक्ति कैसे काम कर रही है, अपरा शक्ति कैसे काम कर रही है. ये इसमें परा कौन हुआ? माया. अपरा कौन हुई? ये सारी सब कुछ इसके अंदर चल रहा है. तो ये सब बताने के लिए. बाकी हाँ, डिसोल्यूशन को तमस से इसलिए भी रिलेट किया जा सकता है, जब प्रश्न आया तो उत्तर आ सकता है. क्योंकि जब तक कोई चीज अपने तमस में नहीं जाएगी, आप सोचो ये पेन है, ये पेन अभी बना है, सत्व में है, क्रिएट हुआ है, रजस में है, फिर ये पेन रहेगा सत्व में, फिर इसको ब्रेक करना है, मुझे इसमें से दूसरा बनाना है. तो जब तक ये इसके परमाणु तमस में नहीं जाएंगे, सो नहीं जाएंगे, तब तक आप इसको ब्रेक करके नया क्रिएशन नहीं कर सकते. देयरफॉर डिसोल्यूशन इज रिलेटेड टू तमस. और इसलिए जहाँ शंकर की बात आए, महेश की बात आए, उन्हें ब्लैक से दिखाया जाता है, उन्हें एकदम बड़े ही घोर डार्क कलर से बताया जाता है. डार्कनेस मीन्स जो परमाणु है, दे हैव गॉन इन स्लीप मोड, तभी आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. आपको सोने को तोड़ना हो, अग्नि देनी पड़ेगी, डिसॉल्व करना है, आपको तमस देना पड़ेगा उसको, और तब वो टूटेगा. गुड क्वेश्चन. बाकी रिलेट मत करना सबको, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी फिनोमिनाज है. शब्द खाली ओम दिया है, तुम सोचो इस ओम में कितनी व्यापकता है. सब कुछ आ गया, ईश्वर का परब्रह्म आ गया इसमें, इस ओम में ब्रह्म आ गया, तुम्हारी आद्य शक्ति आ गई, शेरा वाली माँ आ गई, बिग बैंग आ गया, सत्व रजस तमस द एंटायर लॉ ऑफ नेचर्स आ गए इसके अंदर, मैक्रोकॉजम माइक्रोकॉजम आ गया इसके अंदर, इसके अंदर तुम्हारी ही तीन अवस्था जो हमेशा हर जीव के चलती है वो आ गई. क्या बाकी रहा इस ओम के अंदर? तुम देखो तो इस एक सिंबल के आसपास तुम पूरा अपना धर्म या आध्यात्मिक समझ जो है इसको घुमा सकते हो. एवरीथिंग कम्स इन दिस. ओके, एनी अदर क्वेश्चन और आई मूव ऑन? यस. यस, क्योंकि उसके बाद फिर तुम आते कहाँ हो? बिल्कुल, उसके बाद आप आ कहाँ जाते हो लौट कर? वापस माया के नीचे आ गए, सत्व रजस तमस. दैट इज योर ओपिनियन. देखो, अब आपको समझना होगा, अगर आपको वही फीलिंग रह रही है, यू नीड नॉट डू इट. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी हम उलझ जाते हैं, संसार की तरफ खींच जाते हैं, जो कोई भी कर्म हावी हो जाते हैं, इन दैट केस यू हैव टू टेक. बाकी हाँ, टू टेल यू द सीक्रेट, टू शेयर यू द सीक्रेट, मैं स्वराज क्रिया नहीं करती हूँ. मैंने कर ली, मैंने सालों पहले करी, और बहुत सालों तक बहुत निष्ठा से मैंने उस पूरे
वर्किंग सिस्टम को समझा तो तुम्हारी स्वराज क्रिया लेवल 7 भी आ जाएगा ना, वो भी मेरा 10-12 सालों पहले सब कंप्लीट हो चुका है, ये ध्यान रखने से। आई डोंट डू दैट। मैं कभी कभी कर लेती हूँ खाली जानने के लिए कि स्वराज क्रिया में सब म्यूजिक वगैरह ठीक चल रहा है, तुम्हारा ऐप ठीक चल रहा है, ये सब जानने के लिए। बाकी आई डोंट नीड दैट इंस्ट्रूमेंट टू गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ओके, आगे कोई प्रश्न? तीन लोग हाथ खड़ा, चलो एक हाथ ले लेते हैं, इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, नहीं वो उन्हें वापस आना पड़ेगा, वो सत्व में रहेंगे। हो सकता है करें, उनके शरीर की आवश्यकता नहीं है भूख की इत्यादि, इस तरह से सत्व का बैलेंस सदा हुआ है। दे डोंट नीड फूड, दे डोंट नीड टू गो वर्कआउट, कुछ नहीं करना उन्हें। लेकिन जो अनुभूति का समय है उसके जैन शास्त्रों में तो मर्यादा दी है, इट इज़ 48 मिनट्स ओनली। उससे ज़्यादा यदि हो जाए तो बात अलग हो जाती है, इसलिए जैन शास्त्रों ने इसकी व्याख्या दी है 48 मिनट्स। बाकी मेरे इतने पढ़ने में और किसी शास्त्रों में भी आया नहीं है, लेकिन मेरा भी मानना यह है कि 48 मिनट्स के अंदर अंदर तक के टाइम में हम रह सकते हैं, उसके बाद हम बैठे रहेंगे। जैसे मैं अपने मौलिक अनुभव से कहूँ तो अनुभूति मेरी बहुत थोड़े समय की होगी, लेकिन मैं बैठी रहूँगी घंटों तक। आई एम एन्जॉइंग दैट स्टेट ऑफ स्टिलनेस, बट दैट डजंट मीन दैट इज़ द स्टिलनेस ऑफ सत्व। सत्व की स्टिलनेस है, लेकिन जो अनुभव है वो तो गया बिना वो समय और क्षेत्र के पार का जो अनुभव था बहुत थोड़े मिनट्स का होता है। योगेश्वर कृष्ण की तो बात ही छोड़ दो, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसको तो ध्यान करने की कहाँ जरूरत है। तुमने देखा राधा कृष्ण में कभी कभी कृष्ण ध्यान लगा के बैठे हैं? प्रभु वो योगेश्वर है, अपने योग में लगे, क्योंकि उन्हें बाहर भटकने का कोई कारण नहीं है। मेरे जैसे लोगों के पास कारण है बाहर भटकने का, इसलिए मैं बाहर भटक रही हूँ, उनके पास कोई कारण नहीं था। योगेश्वर कृष्ण को भी जब अपना जो उद्देश्य था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, तब वो भी बाहर आए, उन्होंने भी आकर बोध दिया है, सब कुछ किया है। वेद व्यास का जब समय था, भगवान वेद व्यास, तब उन्होंने भी सालों साधना की, समाधि में रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं अब जीवन का प्रयोजन कुछ और भी है, वहाँ उन्होंने भी वेदों की रचना शुरू कर दी। इसलिए खाली ये तो फोटो में ऐसा दिखाया जाता है कि वो बैठे हुए हैं, वो तो फोटो थोड़ी हिलेगी, फोटो तो बैठी ही रहेगी ना। लेकिन जब उनके जिनके जीवन का जो उद्देश्य होता है, जैसे मेरे जीवन को अगर SRM का उद्देश्य मिला है तो SRM के लिए बाहर आना होगा, लेकिन उससे कनेक्शन कभी भी छूटता नहीं है। यदि वो छूट जाए तो ये बाहर आना केवल राजसिक हो गया, केवल राजसिक प्रवृत्ति। ठीक है, यस, कृष्ण जब फ्लूट बजा रहे हैं तो वो अपने परब्रह्म के साथ कनेक्टेड ही होते हैं, ऐसा फील होता है। वो देख के वो बहुत बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स हैं राधा कृष्ण के, कृष्ण को फ्लूट बजाते देखना। ओवर, यस। क्योंकि हमें, हाँ, प्रभु का प्रश्न जो मैं समझी हूँ, ऑल्दो आप यू आर लो ऑन योर साउंड, मैं ये समझी हूँ कि आ उ म में म तमस को रिलेट कर रहा है, तो ये तमस, ये म का साउंड इतना लेंदी क्यों है? बिकॉज साधना क्षेत्र में अभी हमारा कर्तव्य अपने ईगो को डिसॉल्व करना ही है, अभी शुरुआत में। जहाँ आगे जाके मुझे लगता है कि अब मुझे सस्टेनेंस के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, SRM आ तो गया, बट आई हैव टू सस्टेन दिस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू नॉलेज, थ्रू वेल्थ, थ्रू एवरीथिंग, हर तरह से मुझे उसको सस्टेन करना है, तब मेरे अंदर ऊ की साधना बढ़ जाती है। हम भी साधना करते हैं, स्वराज क्रिया नहीं करते, लेकिन अलग अलग ढंग से। जब मुझे कुछ क्रिएट करना है तब मैं आ की साधना के अंदर चली जाती हूँ। आ क्रिएट करता है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे ज्ञान, सबको क्रिएट करेगा, ऊ जो है वो सस्टेन करता है। अब ये नहीं होना चाहिए कि कल से तुम खाली आ, 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 आ चल रहा है तुम्हारा, ये नहीं होना चाहिए। खाली मैं तुम्हें, आज हम बड़े अच्छे मूड में है, थोड़ी 1-to-1 टॉक्स चल रही है, तो ठीक है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। लेकिन माँ की साधना साधकों के लिए इसलिए
प्रिशियस होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सबसे पहला कार्य हमें आपके अहंकार को डिसॉल्व करने का करना है, आपके अज्ञान को डिसॉल्व करने का करना है. देयरफॉर ओके, सो आर वी ओवर, आर वी डन, लास्ट क्वेश्चन. ओके, नहीं 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 नहीं, आप लक्ष्मी को तो किसके साथ रखोगे बताओ, कौन कहाँ पे डालोगे, तो न हाँ लक्ष्मी कहाँ आ रही है, सत्व वहाँ, हाँ वहाँ पर डालेंगे. लक्ष्मी इज नॉट अ पर्सन, इट इज फेमिनाइन एनर्जीज, और उनके कंसोर्ट कौन है, विष्णु. ब्रह्मा की कंसोर्ट कौन है, सरस्वती. ब्रह्मा इज द एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जीज ऑफ क्रिएशन, और क्रिएशन के क्रिएशन होगा ही तब जब फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों बैलेंस्ड हो, तो वो बैलेंस के लिए हमें सरस्वती को भी लाना पड़ा. इसलिए ब्रह्मा की कंसोर्ट फेमिनिन एनर्जीज कौन बैलेंस कर रहा है, सरस्वती, और मैस्कुलिन इज ब्रह्मा, और महेश के साथ पार्वती. महेश इज अ मैस्कुलिन एनर्जीज ऑफ डिसोल्यूशन और पार्वती इज अ फेमिनिन एनर्जी ऑफ डिसोल्यूशन. जब महेश डिसोल्व करने का कार्य करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जीज डिसोल्व करने का काम कर रही है, तब पार्वती उसके मूल तत्व को संभाल के रखती है. बताया था ये भी मैंने सत्संग के अंदर, पार्वती फेमिनिन एनर्जीज का काम है, वो मूल तत्व को पकड़ के रखेगी, जड़ को चेतन नहीं बना देगी, चेतन को जड़ नहीं बना देगी, उसका काम ये होता है. सरस्वती का भी काम बताया, सबके काम किसे आप बताना, इनको रेफर कर देना कौन से सत्संग के अंदर है. ओके, सो वी आर डन, श्योर, नो लास्ट क्वेश्चन, नो लास्ट क्वेश्चन. अब क्या बात करनी है, तो इसके अंदर ओम समझ में आ गया, तत् कौन है और सत कौन है, कहाँ लिखूं, नहीं इसी के साथ चलेगा. सत इस परब्रह्म को ही कहा जाता है, लेकिन सत के अंदर उसकी दोनों बातें आ जाती है, मैनिफेस्टेड, प्रकट और अप्रकट. ये ब्रह्मांड जितना मैनिफेस्टेड है, इट इज कंसिडर्ड एज ओनली 0.1% ऑफ अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मांड. तुम सोचो अनमैनिफेस्टेड का विस्तार, उसकी डायमेंशन क्या होगी, कितना, जो अप्रकट और प्रकट. ये पूरा पहले अप्रकट था सब कुछ, उसमें से प्रकट हुआ. तो सत किसे कहा जाएगा, प्रकट प्लस अप्रकट, इन दोनों को ही सत कहा जाएगा, जो शाश्वत है. लेकिन अगेन इसके अंदर वही कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाती है, कोई शास्त्र कहेंगे कि सत यानी जो बिल्कुल अप्रकट है उसी को रखो, क्योंकि जो प्रकट हुआ है वो तो डिसॉल्व हो ही जाएगा ना, तो वो सत कहाँ रहा, सत यानी तो शाश्वत. लेकिन फिर भी हम अपनी इस यौगिक परंपरा के अंदर कि सत का भी जो मूल है, ये जो यहाँ प्रकट हुआ है इस ब्रह्मांड के अंदर बिग बैंग के बाद, इसका जो मूल कंटेंट है वो वापस असत, यहाँ सत में जाने पर, परब्रह्म में जाने पर मूल कंटेंट तो संभाल के ही रहता है, मूल कंटेंट कहीं नहीं चला जाता. इसीलिए हर चीज वहाँ उस अज्ञात, उस इनफाइनाइट या उस शून्य के अंदर, एवरीथिंग इज देयर, एंड देयरफॉर वी कैन से एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग. क्योंकि अगर नथिंग में कुछ होता ही नहीं, ये जितना भी रॉ मटेरियल है ये सारा का सारा वापस उसके अंदर जाकर मिल जाता है. इसलिए सत हम किसको कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड, जो अप्रकट ब्रह्मांड है वो भी और जो प्रकट है वो भी, यानी पूरा जो आद्य शक्ति आउटसाइड इनसाइड दोनों, बैंक के बाहर जो है और बिग बैंग के अंदर जो है, उन सभी को हम क्या कहेंगे, सत. एवरीथिंग इज, प्रश्न कर सकते हो क्या माया को भी हम सत कहेंगे, माया को भी सत, माया का तो मतलब ही है असत, और उसको भी सत. यस, फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन माया भी सत है, वो भी हमेशा रहती है. जब ये डिसोल्यूशन हो जाएगा, बैंक क्लोज हो जाएगा, तो माया भी वापस अपना बैग बंद करके, लेकिन सब कोई उस पर ब्रह्म के अंदर विश्राम को पाएंगे, सब उस पर ब्रह्म के अंदर समा जाएंगे. इसलिए सत कौन है, द अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड एंड द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड. जो अप्रकट ब्रह्मांड है वो भी सत है, और जो प्रकट ब्रह्मांड है वो भी सत है. ओम क्या है, समझ में आ गया, अब मैं नहीं कर रही इसको, करूं अभी भी समाप्त, नहीं नहीं मत बोलो.
सत ये है और तत् कौन है? तत् यानी तत् इज इक्वल टू वह, तत् का अर्थ ही यही होता है वह। सत यानी एटर्नल, सदा, वह। आई नीड सम स्पेस, चलो मैं यहां लिखती हूं। सत सब कुछ है, जिसमें से सब आया है, उसमें से क्या निकला? ओम। और वह ओम तुम्हारे अंदर जिस तरह से रिवर्बरेट कर रहा है वो है तत्, मीन्स तत् इज योर कॉन्शियसनेस। हरि ओम तत्सत, तुमने आज गाया, तो हरि कौन है? हर ओर है जो, वो हरि है। सत किसको लेते हैं? जो इस मैनिफेस्टेशन में आया, इस तरह लोगो। ओम क्या है? मैनिफेस्टेशन के हर पहलू, विराट ब्रह्मांड, सूक्ष्म ब्रह्मांड, सत्व रजस तमस, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, सारी डायमेंशंस है, वो सारी ओम सिंबल के अंदर आती है। ओम शब्द नहीं है, कोई इसे शब्द नहीं मानेगा, ओम सिंबल है। और सिंबल है इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब से कोई भी तुम्हें कहे ओम शब्द नहीं, ओम शब्द नहीं है, ओम निराकार है, निरक्षरी ध्वनि है, उसके अंदर केवल सिंबल से प्रतीक छुपे हुए हैं। सत में से ओम आया, और ओम तुम्हारे अंदर किस तरह से, जिस तरह से तुम्हारी कॉन्शियसनेस रिवर्बरेट हो रही है, जिस वाइब्रेशंस पर, जो एनर्जीज का पिंड तुम हो, जिस ऊर्जा की हम बात करते हैं, इसको कहा जाता है तत्। यानी पूरा रिलेशन बना दिया, सत यानी ईश्वर, ओम यानी ईश्वर की मैनिफेस्टेशन। और ईश्वर की बाहरी मैनिफेस्टेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारे अंदर वो ओम किस तरह से है, तो उसे कहा वो वह है। वह मतलब कॉन्शियसनेस, ये बात ठीक है, लेकिन वह मतलब है वह उसके जैसा है। वह और सत यानी तत् और सत दोनों हमेशा एक जैसे रहेंगे। जैसा सत है वैसा ही वह यानी तू है, तेरा भी स्वरूप है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ही वर्ड्स। तो अब तुम्हें चार शब्द मिलेंगे, ये चारों के चारों प्रतीक है। हरि मतलब जो हर ओर है, ओम मतलब सब कुछ आ गया। ओम में तो तुम कहोगे, हम बोलेंगे अब तो वापस आधा घंटा बोल सकते हैं, इजंट इट, इतना डेटा फ्लरिश हो गया तुम्हारे माइंड के अंदर। ओम और तत् कौन है? वह कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर किस तरह से है, तो वह कॉन्शियसनेस मेरे अंदर कैसे है, तो दैट इज सिंबलाइज्ड बाय द वर्ड तत्। इसका क्या मीनिंग है, अभी मैंने उसके ऊपर, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कुछ क्या है, ये कोई रिसर्च नहीं किया, संस्कृत वर्ड के हिसाब से इन्होंने डाल दिया है कि वह, जैसा वह है वैसा ही, जैसा सब कुछ है वैसा ही तू भी है। लेकिन कौन से लेवल पर? जड़ के लेवल पर नहीं, चेतना के लेवल पर। यू आर इटर्नल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो सदा है, सत में है, वही तुम में भी बह रही है। सो ओम तत् और सत। आज मैं चाहूँगी जब अंत में ये लोग इसकी बात करें, इसका धुन लें, तो आप सब पूरे उत्साह के साथ इसकी बात करना, ओम तत् सत को गाना। साधना क्या है? बिकॉज नाउ वी कम टू द एक्चुअल पॉइंट। साधना क्या, कैसे? अनेक अनेक ढंग योगियों ने भी नहीं निकाले थे, कुल मिला के निकाले तो 112 ढंग, ये कितना बड़ा है। लेकिन योगियों ने जो यौगिक क्रियाएं निकाली वो 112 प्रकार की ही निकाली। हमने भी जो स्वराज क्रिया निकाली, कहीं ना कहीं दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव क्रिया इन दिस टाइम फॉर यू। ऑल्दो इस साल से हम अगले लेवल पर जा रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट वे से क्रिया को करने का हम लोगों का निश्चय है, लेकिन स्टिल देर हैज़ टू बी सम क्रिया। ओम के माध्यम से उन लोगों ने इस क्रिया को परब्रह्म के अनुभव से भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आ ऊ म, ये तीनों शक्तियों का उपयोग किया जो हम लोग यहाँ कर ही रहे। आ क्या है, देख के बोलो, क्रिएशन। क्रिएशन का काम तुम्हारी बॉडी में कहाँ होता है? पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन क्रिएट कर रहा है, उसके पास सारी चीज़ें जाती हैं, सारा भोजन, उसमें से ही ब्लड बनता है, उसमें से ही मज्जा बनती है, उसमें से ही तुम्हारा मांस बनता है। सो एंटायर क्रिएशन थिंग इज हैपनिंग इन दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, एग्री?
उसके बाद ऊ किसका प्रतीक है? संचालन. तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्ट, लंग्स, ये सब तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ऊ की वाइब्रेशंस यहाँ पर कार्य करनी चाहिए. और म, डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का प्रोसेस कहाँ शुरू होता है? तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर. डिसॉल्व करना है किसी चीज़ की, अब एनर्जी का फॉर्म बदलना है, वो कार्य कहाँ चलता है? तो तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर. हमारे योगियों ने अपनी साधना के माध्यम से इस बात का अनुभव भी किया और इसे हमें करने के लिए भी कहा कि इसको कैसे करना है. जब तुम ओम की साधना में आओगे, कई शास्त्रों में लिखा होता है कि ओम का की साधना करो, ओम का उच्चारण करो. बट हाउ? जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो आपके सारा फोकस आपका यहाँ इस भाग में होना चाहिए, तुम्हारे स्वादिष्ठान के नीचे नीचे तक होना चाहिए. इनफैक्ट स्वादिष्ठान से थोड़ा ऊपर भी होता है, लेकिन इस एरिया के अंदर जब होगा फोकस, जहाँ जाएगा वहीं एनर्जीज फ्लो करना शुरू कर देगी. अपना सिद्धांत है, वेयर एवर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस. जिसे हम तुम देखोगे, जिसे तुम महसूस करोगे, सारी एनर्जी वहीं पर अपना कार्य शुरू कर देती है. तो केवल ओम शब्द के माध्यम से कैसे अपनी एनर्जीज को ऊपर की तरफ ले जाया जाए, कैसे अपनी एनर्जीज को और शुद्ध किया जाए, वो इस साधना में होता है. आ के अंदर क्रिएशन, ऊ के अंदर मेंटेनेंस. जब आप ऊ का साउंड बोलते हैं तो उस ऊ साउंड के अंदर यू शुड फील योर एनर्जीज हेयर इन दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, फ्रंट, बैक, हर जगह. और वो एनर्जीज तुम कब फील करोगे? जब तुम शरीर का इतना ही भाग महसूस कर रहे हो, तब. जब तुम पूरा शरीर महसूस कर रहे हो, इसका मतलब योर फोकस इज इन योर एंटायर बॉडी. तुम्हारे फोकस इतना इंटेंस होना चाहिए कि तुम केवल यहाँ से यहाँ तक का भाग ही फील कर पा रहे हो, तब सारी एनर्जीज यहाँ पर आ जाएगी. जितनी भी तुम्हारी एनर्जीज से काम करना है, समझो तुम्हारे पास 100 पॉइंट एनर्जी है, ध्यान से समझना, 100 पॉइंट्स ऑफ एनर्जी है. वो 100 पॉइंट अभी बहुत ही बैलेंस रूप से पूरे बॉडी में फैली हुई है, इसलिए वो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए उपयोगी नहीं है. तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो बॉडी का केवल इतना पार्ट फील करना है, तो वो 100 लेवल्स जितने भी थे वो सारे के सारे सिकुड़ कर, सारे के सारे कंडेंस होकर इतने एरिया में आ रहे हैं. और जब वो इतने एरिया में आएंगे, यू विल फील रश ऑफ एनर्जी, रश ऑफ एनर्जी. और जितनी रश ऑफ एनर्जी फील होगी, उतना तुम स्वराज क्रिया के माध्यम से तैयार हो. वो नीचे नहीं जाएगी, अब वो ऊपर की तरफ जाएगी. सो समवेयर वी आर रेडी नाउ. और जब तुम म की ध्वनि बोलोगे तो म इज अ साउंड ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का साउंड है, म तमस का साउंड नहीं है, म डिसोल्यूशन का साउंड है. डिसोल्यूशन की तरफ जाओगे तो जो चेंजेस लाने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं इन दिस एरिया, जहाँ मैंने तुम्हें बताया रेप्टिलियन ब्रेन भी है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स. मैं ये वर्ड ही भूल जाती हूँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये दोनों ब्रेन है. उसको बैलेंस दिलाना है, कितना कहाँ एक्सपैंड करना है और कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करना है. तुम्हें जहाँ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वहाँ तुम एक्सपैंड कर रहे हो, और जहाँ तुम्हें एक्सपैंड करना चाहिए वहाँ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. दिस बैलेंस इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय योर ब्रेन. लेकिन उसके लिए ब्रेन इतना हमारा इवॉल्व होना चाहिए. योगियों का ब्रेन इतना इवॉल्व हो जाता है कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कितनी देर तक समाधि में बैठना है और कब जग कल्याण के लिए हमें बाहर निकल कर जग ये धर्म प्रभावना का कार्य करना है. दे हैव दैट परफेक्ट बैलेंस. सो वॉट हैपन्स कि जब तुम म की साधना करते हो, केवल तुम्हारा सारा ध्यान इतने भाग में है, तुम्हारे शरीर के यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरू यहाँ से होता है लेकिन इतने भाग में है, यू विल इमीडिएटली फील कि इतनी सारी वाइब्रेशंस तुम्हारे सर में होने लगी. और वाइब्रेशंस होना मतलब कुछ हिल रहा है. जब कुछ हिल रहा है, इसका स्पंदन हो रहा है. स्पंदन हो रहा है इसका मतलब जो तमस में पड़ा था वो सक्रिय हो रहा है. जो जो सदा तमस में पड़ा था, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो सदा सोए पड़े हैं, इनर्शिया की फॉर्म में है, उन्हें तुम एक्टिवेट कर रहे हो. और जब तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, तो यू नो द बेस्ट व्हाट टू एक्टिवेट एंड व्हाट टू डीएक्टिवेट, बिकॉज योर एनर्जी इट्सेल्फ इज अ गॉड एनर्जी. तुम खुद ही गॉड प्रिंसिपल हो, और उस एनर्जी को अच्छी तरह पता है. जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो तुम्हारे अपने पर्सनल गॉड जो हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं कि नहीं है,
तुम्हारे पर्सनल गॉड को अच्छी तरह पता है किस ब्रेन के परमाणु को सुला देना है और किसको सक्रिय करना है और किसका संचालन में डालना है. सो योर एनर्जी वर्क्स इन योर फेवर. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट इज़ द ओनली प्रोसेस. यस यू शुड क्लैप फॉर दिस. इट इज़ द ओनली प्रोसेस. स्वराज क्रिया तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार कर रही है कि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए, ऊपर जिसका होना होता है उसमें भी हो जाता है. वहाँ पर भी मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा पर जाकर तुम रश आगे की तरफ फील कर सकते हो. बट नाउ वी आर कमिंग ऑन टू नेक्स्ट साधना आउम. ये तो मैं तुम्हें जनरल कराऊंगी, ये स्वराज क्रिया के अंदर नहीं दूंगी, बट वन ऑफ द वेरी गुड साधना. आ ऊ म की साधना में काम तुम्हारे लिए तभी करेगी जब स्वराज क्रिया का बेस है तुम्हारे पास. क्योंकि कुछ लोगों को आ ऊ म करने में बड़ा मजा आता है, उन्हें लगता है कोई झंझट नहीं, आ ऊ म कर खत्म. और आज तो पता चल गया कब आ बोलना है कब ऊ बोलना है, खबरदार तुमने की है तो तुम कर लो. तो तुम्हारे उसके परिणाम तुम्हारे ऊपर, संपत्ति खूब आ जाएगी, लेकिन संपत्ति किस में यूज होगी ना ये मुझसे मत पूछना. मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ इट हैपन्स. जब तुम प्योर एम के बिना, प्योर ऑब्जेक्टिव के बिना कोई साधना करते हो तो जो भी साधना से तुम्हें उपलब्धि होती है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग कार्य के अंदर ही उसका यूज हो जाता है. सो आ ऊ म की साधना तुम्हें इसके लिए हेल्प करेगी. फिर आएंगे हम स्वराज क्रिया लेवल 4 के ऊपर, जो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट लेवल यानी गगन गुफा के अंदर क्या क्या हो रहा है, होना चाहिए, उसकी तरफ डायरेक्शन लेकर जाएगी. Everything is processed through brain. Make sure. Everything is processed through brain. Human brain. तुम्हारे मस्तिष्क, मन नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क के थ्रू ही हम ये कार्य कर सकते हैं. क्योंकि मन तो परिणाम है, वो तो तुम्हारा कॉजल बॉडी, वो तो जो इक्वेशंस आ गई उसमें से बन गया. लेकिन एक्चुअल काम सारा, देयरफॉर आई बिलीव सो मच इन साइंस. क्योंकि मस्तिष्क के बाद के पास वो सारे परमाणु पड़े हैं जो तुम्हें नरक का भी अनुभव करा सकते हैं और जो तुम्हें उस पर ब्रह्म का भी अनुभव करा सकते हैं. कौन सा परमाणु सक्रिय करना है वो तुम्हारी ही ऊर्जा को पता है, मुझे भी नहीं पता. मेरे को मेरे लिए पता है, पता तो मैं फिर भी नहीं कहूँगी. माई एनर्जी नोज फॉर मी कि उसे कौन सा परमाणु सक्रिय करना है. मेरी एनर्जी को तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चल सकता. Only your energies can know about you कि इसको किस तरह से करना है, हमें कौन सा परमाणु सक्रिय करूं और कौन सा सुषुप्त करूं. तो उसके लिए चाहिए पूरी साधना की पद्धति. और आ ऊ म साधना जो है this is one of the most effective साधना. लेकिन मैं इसे जल्दी से ज़्यादा propagate नहीं करती. जहाँ जहाँ मैं एक कप में भी जाती हूँ उन्हें खाली म देती हूँ या उन्हें थोड़ा बहुत इसका पार्ट देती हूँ. क्योंकि विदाउट द बेस ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रिया, जैसे स्वराज क्रिया जैसे फाउंडेशन के बिना, ये ज़्यादा लंबा रिजल्ट नहीं दे सकती. देती है लेकिन शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है. स्वराज क्रिया के माध्यम से तो तुम्हारे संस्कार बदल रहे हैं, पलट रहे हैं सब कुछ. और अब ऊर्जा जो ऊपर जा रही है वो ब्रेन की राइट बात को ट्रिगर करती है, राइट न्यूरॉन को वो ट्रिगर कर रही है. इस आउमा की साधना में विशेषता तुम्हें पता है क्या होती है? रोलिंग योर टंग और उसको ऊपर पैलेट के साथ लगाना होता है, ऊपर तालू के साथ. ये मत भूलना. तुम थक जाओ तो जीभ को थोड़ी देर के लिए वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में ले आओ, लेकिन जब तक ये साधना चलती है मैक्सिमम टाइम तुम्हारी टंग रोल ऑन होनी चाहिए. टंग रोल ऑन करने का क्या रीज़न है? टंग को मैस्कुलिन एनर्जीज़ का पीक माना जाता है, मैस्कुलिन एनर्जीज़ का. और जो उल्टा है, वाणी है, लेकिन फिर भी ये पौरुष उसके अंदर जाती है. और यहाँ तुम्हें पता है एक वो होता है टॉन्स, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं पीछे एक ऐसे आ करो तो पीछे दिखता है ना, टॉन्सल से हम तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उल्वा. यस उल्वा इंग्लिश में से कुछ बोलते हैं. दैट इज द फादर ऑफ फेमिनिन एनर्जीज, पीक फेमिनिन एनर्जीज है. टंग पीक मैस्कुलिन एनर्जीज है और वो जो पीछे है उल्वा, ये पीक फेमिनिन एनर्जीज. टंग इज अ मैस्कुलिन एनर्जी, दैट इज अ फेमिनिन एनर्जी. और ज्यों ज्यों हम टंग को रोल करते हैं हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज एक दूसरे के पास आ रही हैं. देयरफॉर वी रोल. वो
जब खिचड़ी मुद्रा में चला जाता है धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे उस मुद्रा तक भी जब टंग उसको टच कर जाती है, दैट इज़ द मोमेंट वी कॉल अ खिचड़ी मुद्रा। और ज़्यादातर जो योगी होते हैं वो खिचड़ी मुद्रा के अंदर ही होते हैं। वो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ का एक हो जाना होता है, और जब वो दोनों एक हो गई दैट इज़ द टाइम जब तुम उस एक वननेस को इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप। तुम्हें आ ऊ म की साधना के अंदर अपनी टंग को पीछे करना है। ये पीछे करने का फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो है वो फेमिनिन एनर्जीज़ की तरफ जा रही है। उन दोनों में जो डिसबैलेंस है, उन दोनों में जो दूरी है, वो दूरी धीरे धीरे तुम कम कर रहे हो। हम इसलिए टंग को ऊपर रोल कराते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब तुम टंग को रोल करोगे तब जो साउंड्स हैं वो नेचुरल साउंड्स आएंगे। तुम टंग को रोल नहीं करोगे तो तुम आ कैसा भी बोल सकते हो, आ आ आ आ कैसा भी बोल दोगे, लेकिन जब तुम टंग को रोल कर दोगे तब तुम आ जो बोलोगे दैट इज़ योर नेचुरल साउंड, ऊ जो बोलोगे दैट इज़ योर नेचुरल साउंड, म जो बोलोगे वो तुम्हारा नेचुरल साउंड होगा। रोल किए बिना तुम म कितनी ज़ोर से बोल सकते हो, कितनी भी, बट वी नीड नेचुरल साउंड्स, इसलिए हम इसको रोल करते हैं। दो कारण, दो ही कारण है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पास आती हैं, और नंबर टू तुम्हारा नेचुरल साउंड्स इसके अंदर प्रकट होता है। और जो नेचुरल साउंड्स है वही इस बाहर बिग बैंग की जो साउंड की वाइब्रेशन है उसको मैच कर सकती है। मैंने बताया था बाहर का जो ब्रह्मांड है वो एक हारमनी में चल रहा है, प्रॉपर हारमनी, और तुम्हारे भीतर का जो सूक्ष्म ब्रह्मांड है माइक्रोकॉस्म वो बिल्कुल यूं चल रहा है, नो हारमनी इज देयर। तो उस हारमनी को लाने के लिए वी यूज़ द साउंड ऑफ आउमा। सो आर वी रेडी फॉर द साधना? ओम तत् और सत का स्वरूप समझकर अब तुम जो भी सोचना चाहो, जो भी तुम समझते हो, जितना भी तुम जानते हो और जितना भी जानने योग्य है, सब कुछ इन तीन शब्दों में समा सकता है। इस बात की श्रद्धा पूर्वक जो इस पार के ऊपर चलता है वो इस ओम के अंदर इस तत् के माध्यम से सत की अनुभूति करता है। अंतिम श्लोक बस सावधान कर रहा है, क्योंकि ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है, इसलिए अंतिम श्लोक तुम्हें सावधान कर रहा है कि यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो तुम इस अनुभव तक नहीं पहुंच पाओगे। 28वां श्लोक लेके ओम तत्सत इति भगवत गीता का तो 17वां अध्याय नॉट फुल। अश्रद्धया हतुं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, श्रद्धा किसी व्यक्ति पर करने की बात नहीं कर रहे, अब तुम्हें श्रद्धा किसकी करनी है, इस पूरे स्वरूप की। जब तक तुम इस पूरे स्वरूप की श्रद्धा नहीं करते, इसका भरोसा नहीं होता, इसका निश्चय नहीं होता, इसका निर्णय नहीं होता, इस निश्चय के बिना किया हुआ तुम्हारा हर हवन, हर दान, हर तप और जो कुछ भी शुभ कर्म है वो समस्त असत है, यानी तुम्हें सत से जोड़ने वाले नहीं, इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के बाद। क्योंकि इस लोक में लाभदायक कौन है, जो तुम्हें इस लोक में रहकर लोकातीत के अनुभव तक पहुँचा दे, जो तुम्हें देह में रहकर देहातीत के अनुभव तक पहुँचा दे, जो तुम्हें गुणों में रहते हुए भी गुणातीत अवस्था तक ले जाए, केवल उसी को हम लाभ देखते हैं। जो आकर चला जाए उसे तुम भी लाभ नहीं कहते, तो हम कैसे लाभ कहें? जो आए और आके चला जाए उसको लाभ नहीं कहा, लेकिन जो आए और सनातन काल के लिए हमेशा के लिए टिके उसको हम लाभ कहते हैं।
इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा, कृष्ण कह रहे हैं, उन सब की यथार्थ श्रद्धा पूर्वक कि ये स्वरूप ऐसा ही है, ईश्वर का भी, विराट ब्रह्मांड का भी, सूक्ष्म ब्रह्मांड का भी, सत्व रजस तमस का भी, और आ ओ म की ऊर्जा का भी तुमने अनुभव किया होगा, तुमने अभी किया। मैक्सिमम वाइब्रेशंस तुम्हारे समय में अभी तुम्हें यही होगी, क्योंकि योर ब्रेन ऑल्सो नोस इट नीड्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक लेवल पर साधना के आने के बाद हम लोगों को अलग अलग जगह में और घन अनुभव होते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर तुम्हें ब्रेन में ही, यहाँ इस भाग में, चेहरे के भाग में, कानों के भाग में, यहाँ सब ज़्यादा वाइब्रेशंस, स्पंदन फील होती है। उसका बस यही कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से जानती है कि यू नीड डिसोल्यूशन। तुम्हें जो सबसे मुख्य बाधा है उसको डिसॉल्व करना है, अज्ञान का रूपांतरण ज्ञान में करना है, अहंकार का रूपांतरण प्रेम में करना है। इसके साथ ही भगवद गीता का 17वां अध्याय संपन्न करते हैं। हरि ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। सो वी आर रेडी विद द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तीन साल से लगे हुए इस घाट को आज हम टाटा कहेंगे, अंतिम अध्याय शिविर में, एंड SRM टीम हैज लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर दिस रिट्रीट। तुम जानते हो, वैसे यदि तुम जानते हो तो सरप्राइज कैसे हुआ, तुम नहीं जानते। इस बार हमारी स्वराज क्रिया के टीम लीडर्स ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी सेवा अतुलनीय है क्योंकि हमारे मिशन का पूरा गोल ही ये है, व्यक्ति में ज्ञान बढ़े ये उद्देश्य नहीं है, व्यक्ति का अहंकार घटे ये उद्देश्य है। और इसलिए SRM का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो स्वराज क्रिया है वो हमारे टीम लीडर्स के हाथ में है। उन्होंने हमें अपने अपने ग्रुप में से एक एक व्यक्ति का नाम दिया है जिन्हें इस बार स्वराज क्रिया के टीम लीडर्स ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स देना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। खाली मैं नहीं निर्णय करती, दिल्ली, बॉम्बे, USA, हर तरफ से जो जो ग्रुप लीडर्स हैं सबके पास से मुझे एक एक नाम आ चुके हैं। शिविर के ये 4 दिनों का आयोजन, तुम सोने तो नहीं आ रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा। कल ही शेड्यूल बन रहा था तो गौतम प्रभु मुझे सजेस्ट कर रहे थे, प्रभु थोड़ा तो टाइम दो इन लोगों को दोपहर को पीठ लंबी करने का, तुम्हें आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। तुम्हें लंबी करनी हो तो यूं अनुप्रभु से 2-4 आसन सीख लेना, लंबी हो जाएगी और क्या, तुम्हारा स्पाइन ठीक हुआ तो सब ठीक है। लॉट ऑफ भक्ति, लॉट ऑफ सत्संग, कल ही भक्ति टीम भी लगी थी अपने शिविर की तैयारी में, और वो उनको तो शिविर के बाद तुम्हें इडर में भी जगाना है। हम इस बार नए साल में प्रवेश ही भक्ति के साथ करेंगे, 2019 में भक्ति। सात दिनों तक की ये पूरी यात्रा है, तुम्हें मालूम है ना, 27 से शुरू होगी, 2 को वापस लाओगे। देह तो ले आना लेकिन देह भाव घर पर छोड़कर आना,
इन 7 दिनों के लिए देह को ले आना, लेकिन देह का भाव, देह में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी होता रहेगा, हमारी मेडिकल टीम के पास पैचेस हैं, लगवा लेना, नीलेश प्रभु बहुत लाते हैं यूएसएस से, तो वो लगवाते रहना, जहाँ दर्द होता है एक ठोक देते हैं वहाँ पर, लो ये चलो आगे, फाइन, देह लाना लेकिन देह का भाव कम लेकर आना, देन यू कैन एन्जॉय। खास भक्ति टीम, तुम वैसे तो इतना अच्छा ले रहे हो सब गाना तुम्हारा आजकल, तो आज तो कितने यहाँ पर तुम्हारे जंतर मंतर पड़े हैं, सुबह ही सब निकल रहा था घर से आने के लिए तो गौतम प्रभु हंस रहे थे कि तुम्हारे 20 मिनट के आयोजन के लिए इतना जंतर मंतर और बेन प्रभु के 2 घंटे के आयोजन के लिए खाली 1 जंतर मंतर या 2, हंस रहे थे। लेकिन जंतर मंतर बढ़ेंगे जहाँ एक से ज़्यादा हुआ, जहाँ एक है, जहाँ वननेस है, वहाँ ज़्यादा जंतर मंतर है ही नहीं, बस एक में ही काम निकल जाता है। वैसे तो तुम्हारी भक्ति टीम बहुत अच्छा तुम्हें अब रंग में रंगा देती है, जमा देती है, लेकिन फिर भी इस बार कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के सिद्धार्थ मोहन को हमने इन्वाइट किया है भक्ति करने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं, और वैसे उन्हें टक्कर देने के लिए हमारी टीम भी वहीं होगी, इसलिए क्या रंग जमेगा एक शाम को भक्ति का, तुम सोच सकते हो। सिद्धार्थ मोहन सबने, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, वेरी रिनोन्ड, और तुम जैसा चाहोगे ना, तुम उस दिन उनकी भक्ति के माध्यम से ध्यान में जाना चाहोगे तो हम वैसा आयोजन करेंगे, तुम उनकी भक्ति के माध्यम से झूमना चाहोगे तो हम ये आयोजन करेंगे, तुम नाचना चाहोगे तो ये आयोजन भी उस सभा के लिए अलाउड होगा, केवल उस सभा के लिए। लेकिन हमारे कहने के बाद, हमारे आई डोंट वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, सो बी रेडी, न्यू लेवल ऑफ स्वराज क्रिया आएगा। भोजन के लिए हल्दीराम के पैकेट्स आप रख सकते हैं अपने साथ, ये मैं कह दूं तुम लोगों को, क्योंकि लंच हम लोग इस बार स्किप कर रहे हैं, फ्रूट्स होगा, सैंडविचेस होगी, छोटा मोटा होगा, लेकिन लंच हम लोग स्किप कर रहे हैं, हम तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए अब तैयार कर रहे हैं, होगा खाने पे ये मत सोचना, लेकिन हाँ तुम्हें थोड़े पराठे पैक करके आना है तो तुम कर कर आके ला सकते हो, बाकी तुम्हारे रूममेट जो होंगे वही तुम्हें याद दिला देंगे कि ये तामसिक फूड है इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। मैंने पूरा आयोजन कर रखा है, तुम्हें मैं सावधान भी करती जा रही हूँ जो आयोजन है उसके लिए, बाकी वहाँ से निकलोगे सीधा स्टेशन पर मिलोगे और तुम्हारी पूरी यात्रा इडर के पहाड़ की तरफ। इडर का पहाड़ हर बार अपना नया रंग दिखाता है, इस बार क्या रंग दिखा रहा है मैं खुद भी प्रतीक्षा में हूँ। आज बस इतना। में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया, वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया, कुन पाया कुन कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था, वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही कर दे मुझे
मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये करम कच्चे, मेरे ये करम लेके चले आए हैं। मैं तो जानू बिना तू जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया मौला, वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते समेता, श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते समेता, श्री भगवते नमः। हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। बोलिए प्रत्यक्ष सद्गुरुदेव हमें परम प्रिय है।